व्याख्यान के लिए आए हुए नागपुर के सभी सम्मानित सज्जनों, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज के व्याख्यान में व्याख्यान कम होगा, सवाल जवाब ज्यादा हो तो अच्छा होगा। मैं पिछले दो दिन से लगातार व्याख्यान कर रहा हूं इस शहर के अलग अलग हिस्से में और बहुत सारे लोग उसमें आए होंगे, शायद यहां भी होंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। कल दो दिन से बहुत सारे लोग नागपुर के जो मुझसे मिले हैं बहुत सारे प्रश्नों के साथ मिले, तो आपके मन में भी निश्चित रूप से कुछ प्रश्न होंगे। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्रश्नों के जवाब ज्यादा दूं, व्याख्यान का हिस्सा थोड़ा सा कम करूं और आप मुझे इसमें सहयोग देंगे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बार कई सारी बातें प्रश्नों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं या समझाई जा सकती हैं, उसका भी लाभ मिलेगा और मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा विश्वास ज्यादा होगा अगर मैं आपके प्रश्नों के जवाब संतोषजनक तरीके से दे सकूंगा। निवेदन मेरा सिर्फ इतना है कि ये मंच मैं चाहता हूं कि भर जाए, आप लोग सब लोग इस पे आ जाइए, आपके खड़े रहने से और मेरी आपकी नजदीकी बढ़ जाएगी, दूरी बहुत है, अभी आप यहां आ जाएंगे तो नजदीक हो जाएंगे, जल्दी आ जाए। आप आगे से थोड़ा सा उठ जाइए, जो आने वाले हैं उनके लिए रास्ता छोड़ दीजिए तो वो लोग जल्दी से आ सकेंगे। आप सबने पढ़ी होगी, अमेरिका में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को वापस भेजने की बात कही जा रही है और कुछ 15 दिन पहले या शायद 20 दिन हो गए हैं, भारत के कुछ वैज्ञानिकों को अमेरिका जाना था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो अमरीकी सरकार ने उनको वीजा देने से मना कर दिया। उनमें से एक वैज्ञानिक हमारे अपने डॉक्टर चिदंबरम खुद थे। आवाज थोड़ा तेज कर दी। तो आज के अखबार की जो खबर है कि अमरीका में भारतीय वैज्ञानिकों को वहां से देश निकाला दिया जा रहा है, ऐसा कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। और कुछ दिन पहले जो भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका जाना चाहते थे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उन वैज्ञानिकों को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला और उनमें से डॉक्टर चिदंबरम भी एक थे। तकलीफ मुझे इस बात की है कि डॉक्टर चिदंबरम जिस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाले थे उस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वो वाइस चेयरमैन थे। माने जो कॉन्फ्रेंस अमरीका में आयोजित की गई उसमें कुछ अमरीकी वैज्ञानिक, कुछ भारत के वैज्ञानिक, कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ जर्मनी के भी थे, कुछ और भी देशों के रहे होंगे, तो इनकी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी। तो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसके डॉक्टर चिदंबरम वाइस चेयरमैन थे और वाइस चेयरमैन की हैसियत से वो उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, ना कि भारत का प्रतिनिधित्व करने की हैसियत से वो उसमें जा रहे थे। एक बार को अगर डॉक्टर चिदंबरम भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते और उनको वीजा मना किया जाता तो मेरे जैसे आदमी को कोई खास तकलीफ नहीं होती, लेकिन चूंकि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन थे और उनको वीजा देने से मना किया गया, उसके पीछे उनका तर्क क्या था? उन्होंने कहा कि हमको डर है कि डॉक्टर चिदंबरम अमरीका में आकर अमरीका का ज्ञान भारत न ले जाए, उनको डर है इस बात का। यह डर आज अचानक से कैसे पैदा हो गया अमेरिका में? पिछले 50 साल से क्यों नहीं हुआ? पिछले 50 साल से डर पैदा नहीं हुआ और यह तब भी पैदा नहीं हुआ जब हिंदुस्तान में IITs बनाए गए। ये जितने IITs बनाए गए हैं ये सारे के सारे IITs अमेरिका के लिए इंजीनियर तैयार करने वाले संस्थान हैं, ये मैं कहता हूं। कोई और कहेगा तो आप उसको एग्जेजरेशन मान के छोड़, रग रग से मैं उसकी वाकिफ हूं। तो ये IITs बनाए गए हैं अमेरिका में बहुत सस्ते दाम पर, यहां से टेक्निकल इंजीनियर्स भेजे जा सकें उसके लिए। अमेरिका में एक इंजीनियर तैयार करना हो तो उसमें लाखों डॉलर का खर्च आ जाता है, वही इंजीनियर यहां की IIT में तैयार होता है तो कुछ लाख रुपए में तैयार होता है। अमरीकी सरकार को इतनी सुविधा मिली हुई है कि बिना एक पैसे का इन्वेस्टमेंट किए हुए उनको लाखों डॉलर वाला इंजीनियर बहुत सस्ते में मिल जाता है भारत से। तो यहां जो IITs स्थापित किए गए
और उनके इंजीनियर्स ने, उनके साइंटिस्टों ने अमेरिका जाना शुरू किया, तब अमेरिका को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो ज्ञान चुरा लाएंगे अमेरिका से। और 50 साल से तो ये चल ही रहा है। आईआईटी थोड़े बाद में बने हैं, लेकिन आईआईटी के पहले रुड़की तो है ही इस देश में। रुड़की के समकक्ष दूसरे भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। तो मन में यही आता है कि 50 साल से उनको इस बात की चिंता नहीं हुई कि हमारे वैज्ञानिक वहां जाएंगे या हमारे इंजीनियर्स वहां जाएंगे और उनका ज्ञान चुरा के भारत में ले आएंगे। अब अचानक से पिछले 1-2 महीने में ऐसी कौन सी बात हो गई है कि उनको इस बात की चिंता होने लगी है कि भारत के वैज्ञानिक अमरीका जाकर ज्ञान चुरा लाएंगे। इसके पीछे एक मनोवृत्ति है जो काम करती है। वो मनोवृत्ति कैसी होती है उसका एक उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर है और आप कुछ बड़ा बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस में मान लीजिए आप सपोज करिए कि कोई दवा बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, और आपका कोई नौकर है जो आपके असिस्टेंट की तरफ से काम करता है, आपको कुछ मदद करता है, आप कुछ खास फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करके वो दवाएं बनाते हैं, तो आपका वो नौकर हमेशा आपके साथ रहे, आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरफ से काम करे, तो आपको कोई चिंता नहीं होती और आप उसके साथ काम करते। लेकिन जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये नौकर अपनी फैक्ट्री खोलने वाला है, उसी दिन आप उसके बारे में चिंता करना शुरू कर देंगे। माने जब तक वो आपका नौकर बन के रह रहा है आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, आप हर जगह उसको अपने साथ ले जाते हैं, आपकी लेबोरेटरी में भी वो आपके साथ रहता है। लेकिन जैसे ही किसी ने ये जानकारी दी कि आपको मालूम है मिस्टर एक्स कि आपका वो जो पीए है वो खुद एक फैक्ट्री बनाने जा रहा है और शायद वो ही दवा बनाने जा रहा है जो आप बनाते हैं, तब तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो आपकी सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि कहीं आपका फॉर्मुलेशन ना चोरी हो जाए जो आपने मेहनत करके डेवलप किया है या कहीं से लिया है, टेक्निकली उसको आपने रिप्रोड्यूस किया है या कुछ भी किया है, वो फॉर्मुलेशन कहीं आपका चोरी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका नौकर कुछ दिनों के बाद आपका कॉम्पिटिटर होने जा रहा है। तो मनोवृत्ति क्या होती है कि नौकर नौकर रहे, कॉम्पिटिटर ना बने। अगर मेरा ये उदाहरण आपको समझ में आ गया हो तो पहली बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि अचानक से अमरीकी सरकार को ऐसा डर क्यों लगने लगा है कि भारत का वैज्ञानिक अमरीका जाएगा तो कुछ ज्ञान वहां से चोरी करके ले आएगा। ये तब से लगना शुरू हुआ है जब से उनको लगता है कि भारत अब अमरीका का कॉम्पिटिटर हो गया है, माने अब हम भी एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गए हैं, जब से तब से उनको यह डर बढ़ गया है। और जब भी कोई बराबर की हैसियत में आ जाता है या बराबर की हैसियत का होने की संभावना बढ़ जाती है तो सामने वाले की चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। तो ये अमरीकी सरकार ने अपनी उसी चिंता के तहत शायद डॉक्टर चिदंबरम को पहले वीजा देने से मना किया, और अब भारत के कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अमरीका में काम करते हैं उनको उन्होंने कह दिया है कि वो अमरीका छोड़ दें। ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जो जानकारी आज की अखबार की है, कुछ 7 वैज्ञानिक हैं ऐसे। आज 7 वैज्ञानिकों को कहा है, कल 700 को भी कह सकते हैं, फिर 7000 को भी कह देंगे। तो ये सिलसिला शायद अब रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला पहले भी 1-2 बार हो चुका है। इस बात की गंभीरता आप समझ लीजिए कि यह सिलसिला कब कब शुरू होता है। आज जब हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने और हमने बहुत सफलतापूर्वक 5 परीक्षण किए और उन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि वो अमरीकी वैज्ञानिकों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है, और उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि बिना किसी दूसरे देश से तकनीकी मदद लिए हुए, बिना किसी दूसरे देश से आर्थिक मदद लिए हुए, बिना किसी दूसरे देश से संसाधनों की मदद लिए हुए, हम अपने दम पर, अपनी क्षमता पर ये सब कर सकते हैं, तब से अमरीका में यह चिंता और घबराहट ज्यादा है। और वो चिंता और घबराहट शायद इस स्तर पे पहुंच गई है कि अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि भारतीय वैज्ञानिकों से अपने ज्ञान को बचाना है या सुरक्षित रखना है। इससे एक दूसरा सिग्नल और मिलता है।
कि कम से कम अमेरिका ने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमताओं को स्वीकार करना तो शुरू किया, जो आज तक वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कुछ कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। कम से कम उनकी इस चिंता और घबराहट से ये संदेश बहुत साफ है कि उनको हमारी क्षमता पर अब भरोसा होने लगा है। माने उनको ये लगने लगा है कि भारतीय वैज्ञानिक अगर कोई फॉर्मुलेशन ले लेगा वहां से तो शायद अमेरिका को पीट देगा दो साल के बाद, तीन साल के बाद। ये तकलीफ उनकी हुई है जो दिखाई दे रही है आज के अखबार से और 15-20 दिन पहले की उस घटना से। ये पहले भी हो चुका है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरी उम्र तो बहुत कम है लेकिन आप में से बहुत लोग यहां बैठे हैं जो मुझसे 2-3 गुने उम्र में होंगे शायद, उनके जमाने की बात याद दिलाना चाहता हूं। आप जरा याद करिए 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका से गेहूं खरीदना बंद कर दिया था तब भी ऐसी बौखलाहट हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जब एक झटके में यह तय कर दिया था कि अमेरिका से PL-480 का एग्रीमेंट हम रद्द करेंगे और अमेरिका से वो उस जमाने में जो लाल रंग का गेहूं आता था वो हम नहीं खरीदेंगे, इस सच्चाई के बावजूद कि उस समय हमारे देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम था, तो भी लाल बहादुर शास्त्री ने वो एग्रीमेंट रद्द कर दिया था। तो अमेरिका को तकलीफ इस बात की हुई थी कि शास्त्री जी ने अमेरिका से गेहूं खरीदना बंद कर दिया। मैं मानता हूं कि उससे भी बड़ी तकलीफ अमेरिका को शास्त्री जी के एक वक्तव्य से हुई थी। शास्त्री जी ने पहले तो एग्रीमेंट रद्द किया था, गेहूं खरीदना बंद किया था, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि जब हम ये अमरीकी गेहूं नहीं खाएंगे और थोड़े से तनाव में आएंगे, तकलीफ में आएंगे, तो हो सकता है 5 साल के अंदर हम भारत में इतना गेहूं पैदा करने लगेंगे कि ना सिर्फ खाएं बल्कि दूसरों को बेचें, हम संपूर्ण स्वावलंबी हो जाएंगे और दूसरों को बेचने के लिए भी हमारे पास गेहूं हो सकेगा जब हम अमरीकी गेहूं नहीं खाएंगे। अमरीका को उस वक्तव्य से ज्यादा बौखलाहट हुई, ना करेंगे कि हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, बचेगा तो हम दूसरों को बेचेंगे, हो जाएंगे दाता हो जाएंगे। तो अमेरिका का भारत को याचक से दाता बन जाना मंजूर नहीं था, इसलिए अमेरिका बौखला गया था। और उस समय क्या किया था अमेरिका ने, मैं आपको एक दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों का भारत के कुछ यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों के साथ मैक्सिकन गेहूं पर डेवलप होना चाहिए, तो भारत की वैज्ञानिक कुछ मैक्सिकन साइंटिस्ट कुछ अमेरिकनों को वापस बुलाने का आज काम को और भारत दिया था इस देश के लोगों को, तो देश एक नए स्तर पर स्वावलंबन के रास्ते व्रत रखना शुरू किया। मेरे घर में आज भी मेरी दादी मां सोमवार का व्रत रखती है। एक दिन मैंने मेरी दादी से पूछ लिया था कि तुम शंकर जी के लिए व्रत रखती हो, उसने कहा नहीं शंकर जी के लिए तो रखती ही हूं, शास्त्री जी ने एक बार कहा था इसलिए मैं व्रत रखती हूं सोमवार। आज भी आपको इस देश में उस उम्र के जो वो 60 साल के हैं या 70 साल के हैं या जो उस पीढ़ी के हैं मिल जाएंगे जो सोमवार को खाना नहीं खाते हैं। उस समय अमेरिका की ये बौखलाहट बहुत स्पष्ट दिखाई देती थी। एक तीसरा उदाहरण आपको दूं, 1965 के बाद 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया था, उसको मैं ऐतिहासिक मानता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट लागू करवा दिया था पार्लियामेंट से। इंडियन पेटेंट एक्ट एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ था, 1911 का बनाया हुआ था, वो 1969 तक चलता रहा था इस देश में, आजादी मिलने के करीब 20 साल बाद तक चलता रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी जो प्राथमिकताएं थी उसमें दो प्राथमिकताएं वो अक्सर हर जगह कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है कि मैं हिंदू कोड बिल पारित करवाऊं पार्लियामेंट से, और दूसरी प्राथमिकता पंडित नेहरू की ये थी कि मैं इंडियन पेटेंट एक्ट बनवाऊं पार्लियामेंट से। उस समय इंग्लिश पेटेंट एक्ट यहां चलता था, तो पंडित नेहरू ने इंडियन पेटेंट एक्ट बनवाने के लिए दो कमीशन बिठाए थे। एक कमीशन जस्टिस आयंगर की अध्यक्षता में बैठा था, दक्षिण भारतीय एक बहुत इंटेलिजेंट जज हुआ करते थे जस्टिस आयंगर, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना दिया था और पंडित नेहरू ने कहा था कि आप इंग्लिश पेटेंट एक्ट का पूरी गंभीरता से अध्ययन करें, भारत की जरूरतों के हिसाब से हमें नया कानून बनाना है, उसके लिए आप हमको कुछ प्रतिवेदन करें। तो जस्टिस आयंगर ने काम किया
उसके बाद एक जस्टिस टेकचंद बख्शी हुआ करते थे जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी जज रहे, एक और कमीशन पंडित नेहरू ने उनकी अध्यक्षता में बिठाया और उनको भी यही होमवर्क दिया था कि आप भी जरा इसका अध्ययन करिए इंग्लिश पेटेंट एक्ट का, और बन सके तो एक भारत की जरूरत के हिसाब से एक नया पेटेंट एक्ट आप उनको बना के दे दीजिए। तो जस्टिस आयंगर और जस्टिस बख्शी इन दोनों की रात दिन मेहनत के बाद हिंदुस्तान में एक नया पेटेंट कानून बना और वो पेटेंट कानून पंडित नेहरू लागू करवाना चाहते थे। जैसे ही वो पेटेंट कानून बना और उसकी तैयारी हुई कि वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, वैसे ही अमरीकी सरकार ने सबसे पहले उस पर वीटो लगाया। अब आप देखिए, कानून हमारा, हमारी संसद से पारित होना है, अमरीका के पेट में दर्द के आप ये क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे कह दिया गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है? तो जवाब में कहा गया कि हमारी जरूरत यह है कि हम अंग्रेजी कानून इस देश में नहीं चला सकते। तो उन्होंने कहा वो ठीक तो है अंग्रेजी कानून, तो उनके लिए ठीक था क्योंकि हमारी लूट होती थी, हमारे लिए तो मुश्किल में था ना वो कानून। तो उन्होंने कहा शायद आपके लिए ठीक होगा लेकिन हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। तो भयंकर झगड़ा हुआ। और आपको मैं एक, मेरे पास एक न्यूज कटिंग रखी हुई है 1963 की, 62 शायद दिसंबर की है, 62 दिसंबर या जनवरी 63 की, हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज कटिंग है जिसमें अमेरिका ने पंडित नेहरू को थ्रेट किया था कि अगर आपने ये कानून लागू करवाया तो उसके दुष्परिणाम होंगे। और जैसे ही अमेरिका ने थ्रेट किया उसके बाद ब्रिटेन ने भी थ्रेट कर दिया था कि अगर आपने इंग्लिश पेटेंट एक्ट बदलवाया और अपना नया कानून लागू करवाया तो आपके लिए उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तो वो दो दो बड़े देशों से थ्रेट हुआ हमको, क्योंकि हम हमारी पार्लियामेंट में कानून बनाना चाहते। उसके बाद पंडित नेहरू का देहांत हो गया और वो बात वहीं लटक गई। शास्त्री जी के जमाने में उनको ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, बेचारे कई दूसरे मसलों में फंसे रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिम्मत की और पूरी हिम्मत के साथ 1970 में वो कानून उन्होंने पारित करा दिया पार्लियामेंट से, और तब से लेकर आज तक वो पेटेंट कानून इस देश में लागू है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी थ्रेट किया था अमेरिका ने, और जब इंदिरा गांधी ने ये कानून पारित करा दिया था भारतीय संसद में तो अमेरिका ने यह कहा था कि भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका से हम वापस भेज देंगे, हम नहीं रखेंगे आपके उनको, क्यों? क्योंकि आप हमारे बात सुनने वाले नहीं है। तो ये धमकी दी थी और कुछ लोगों को भेज भी दिया था। कुछ स्वाभिमानी थे, उन्होंने पहले ही अमरीका छोड़ दिया था, उन्होंने कहा हमको रहना भी नहीं है ऐसे अमरीका में, आप रखिए इसको अपने पास। उस कानून की बदौलत इस देश में क्या क्या हो गया है, एक ही उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगर वो कानून ना बना होता तो आज हमारी स्थिति क्या होती। हमारे देश में 1970 के पहले एक साल में सिर्फ 70 करोड़ रुपए की दवाएं बनती थी, बाकी सारी दवाएं बाहर से इंपोर्ट होती थी। जीवन रक्षक सारी दवाएं भारत में बाहर से आती थी, और यहां क्या होता था कि अगर दवा आने में देरी हो जाए तो हजारों लाखों लोग मर जाते थे बिना दवा के। कारण क्या था कि अंग्रेजों के जमाने का जो पेटेंट एक्ट था उसमें प्रोडक्ट पेटेंट का कानून था, और ये प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, मान लीजिए कोई एक दवा है, सपोज करिए पैरासीटामोल एक दवा है उदाहरण के लिए, अभी पैरासीटामोल बनाने का कोई एक तरीका है, लेकिन पैरासीटामोल बनाने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, 100 तरीके हैं, और अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस इस्तेमाल करती हैं। तो अंग्रेजों के जमाने का जो पेटेंट कानून हमारे देश में था वो पेटेंट कानून ये कहता था कि जो भी कंपनी पैरासीटामोल बनाएगी उस कंपनी को पैरासीटामोल पर पूरा पेटेंट का अधिकार होगा कम से कम 20 साल के लिए। माने 20 साल तक सिर्फ एक ही कंपनी पैरासीटामोल बनाएगी, बाकी कोई दूसरी कंपनी पैरासीटामोल नहीं बनाएगी। तो माने पूरी मोनोपोली होती थी। और उस अंग्रेजी पेटेंट कानून की एक और व्यवस्था ऐसी थी कि अगर कोई विदेशी कंपनी के पास ये अधिकार है पैरासीटामोल बनाने का तो वो कंपनी ये भी तय कर सकती है कि हम भारत में वो दवा नहीं बनाएंगे, इंपोर्ट करके लाएंगे और देख लेंगे, तो आप उनको रोक नहीं पाएंगे। तो ज्यादातर दवाएं इसी कानून की मदद से इंपोर्ट की जाती थी और हिंदुस्तान का काफी पैसा देश के बाहर चला जाता था दवाएं ही खरीदने में, और यहां के डॉक्टर्स भी लाचार होते थे उस जमाने में।
मिसेस गांधी ने जो नया पेटेंट एक्ट लागू करा दिया इस देश में 1970 में, उसका नतीजा ये निकला कि हमारे देश में वो अंग्रेजी कानून बदल गया, प्रोडक्ट पेटेंट का कानून खत्म हो गया, सिर्फ प्रोसेस पेटेंट का कानून हमने बनाया। और वो भी हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र बना दिए गए जहां पर कोई भी पेटेंट का कानून लागू नहीं होगा। जीवन रक्षक दवाएं अगर बनानी है तो वहां ना प्रोसेस पेटेंट होगा ना प्रोडक्ट पेटेंट होगा। इमरजेंसी की स्थिति आएगी तो वहां कोई भी पेटेंट नहीं होगा। खेती का क्षेत्र है, वहां कोई पेटेंट नहीं होगा। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में एक इलाका बिना पेटेंट वाला कर दिया। तो हरेक भारतीय कंपनी को अधिकार मिला तो वो अपने अपने तरीका था। 1970 के पहले तो सिर्फ 70 करोड़ रुपए की दवाएं बनती थी एक साल में, और आज हमारा अपना पेटेंट कानून चलता है 1970 वाला, तो सारे देश में 14,000 करोड़ रुपए की दवाएं बनती। तो 70 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ तक की दवाएं बनाना हमने शुरू कर दिया। और 1970 के पहले भारत नाम का देश जो पूरी तरह से दवाओं के मामले में आयात पर निर्भर था, दूसरों पर हम अवलंबित थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं दवाएं। और हमारे देश की बनाई हुई दवाएं अमेरिका में बिक रही हैं, हमारे देश की बनाई हुई दवाएं जर्मनी में बिक रही, हमारे देश की बनाई हुई दवाएं कनाडा में, फ्रांस में बिक रही हैं। और उन देशों में हमारे देश की दवाओं के बारे में कहा जाता है कि सबसे सस्ती और सबसे अच्छी इंडियन मेडिसिन हैं। ये यूरोप में हरेक व्यक्ति कहता है। मेरा एक दोस्त है, लंदन में रहता, वो वहां एक काउंसिल चलाता है। आप सुनेंगे तो हंसेंगे, लेकिन बिना हंसे अगर आप इसको समझेंगे तो शायद आपको गहरी बात समझ में आएगी। उसका क्या काम है, वो वैसे वहां बड़ा बिजनेसमैन है, लंदन में रहता, लेकिन उसने एक काउंसिल बना रखी है। और उस काउंसिल का काम क्या है, वो ये कहता है कि लंदन में जो गरीब लोग हैं, इंग्लैंड में जो गरीब लोग हैं और इलाज नहीं करा सकते, आप जानते हैं कि ब्रिटेन में इलाज कराना बहुत महंगा, अमेरिका में भी बहुत महंगा, यूरोप में भी बहुत महंगा, अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं है तो वो मर जाएगा, इलाज नहीं करा पाएगा, क्योंकि दवाएं बहुत महंगी अमेरिका में भी, यूरोप के हर देश में भी। तो पूरे यूरोप में बहुत महंगा इलाज है, मेडिसिन खरीदना बहुत महंगा काम है। अगर वहां की सरकार सोशल सिक्योरिटी नेट विदड्रॉ कर ले तो पता नहीं हजारों लाखों लोग हर साल ऐसे ही मर जाएं बिना दवा के वहां पर। तो उसने एक काम शुरू, और वो वहां महंगा क्यों है, इसलिए महंगा है कि इन सभी देशों में प्रोडक्ट पेटेंट वाला कानून चलता है। जो अंग्रेज हमारे यहां चलाते थे वही कानून अभी अमेरिका में भी चलता है और ब्रिटेन में तो खैर चलता ही है। तो जिन जिन देशों में प्रोडक्ट पेटेंट का कानून चलता है उन देशों में बहुत मोनोपोली होती है कंपनियों की, और दवाओं के दाम भयंकर होते हैं। उदाहरण के लिए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां भी प्रोडक्ट पेटेंट का कानून चलता है। और पाकिस्तान में प्रोडक्ट पेटेंट का कानून चलता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे यहां से आप एक दवा खरीद के लाइए रेनेटिडिन, बाजार में मिलेगी आपको। अभी रेनेटिडिन आप खरीद के लाएंगे तो 10 टैबलेट का पैकेट आपको मिलेगा शायद 6-7 रुपए के आसपास। एक महीने पहले तक 5.90 रुपए का था, अभी शायद 6 या 7 रुपए के बीच में आपको मिलेगा 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप। यही पैकेट अगर आप इस्लामाबाद में खरीदें या कराची में खरीदें या लाहौर में खरीदें तो आपको मिलेगा 247 रुपए का। ऐसी एक मेडिसिन है, उसका नाम है सॉर्बिट्रेट, और वो बहुत इमरजेंसी वाली मेडिसिन मानी जाती है। अगर हार्ट अटैक किसी को हुआ हो तो उसकी जीभ पे रखना बहुत जरूरी है सॉर्बिट्रेट। तो सॉर्बिट्रेट के बारे में हिंदुस्तान का कोई गरीब आदमी भी उसको खरीद के खा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में तो अमीर से अमीर सॉर्बिट्रेट खरीद के नहीं खा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में 10 सॉर्बिट्रेट खरीदने की कीमत है 960 रुपए। तो आप पूछेंगे क्यों, इसलिए कि पाकिस्तान में वही पेटेंट वाला कानून चल रहा है जो अंग्रेजों ने कभी चलाया था 1911 में। आज तक पाकिस्तानी सरकार उस कानून को बदल नहीं पाई, और पाकिस्तान में 3-3 ताकतवर राष्ट्रपतियों ने कोशिश की, लेकिन ना अमेरिका ने ना ब्रिटेन ने उस कानून को बदलने दिया, और आज भी उनके यहां वही कानून चलता है। दुनिया में जिन भी देशों में ये प्रोडक्ट पेटेंट का कानून चलता है उन सभी देशों में दवाओं के दाम बहुत महंगे होते हैं और इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रिटेन की भी यही हालत है। तो मेरा एक दोस्त है लंदन में, उसने एक काउंसिल बना रखी है। वो काउंसिल ये करती है कि कोई आदमी को अगर इलाज कराना है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना, तो लंदन में इतना महंगा है कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना कि आप 50 बार सोचेंगे उसको कि कराएं कि ना कर। तो वो क्या करता है कि जिन जिन को कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है उनका रजिस्ट्रेशन करता, फिर उन सबको एक साथ हवाई जहाज की टिकट खरीद के बंबई भेज देता,
और बंबई में वो आते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं, फिर 15 दिन वो होटल में रहते हैं और 15 दिन होटल में रहकर वापस आंख ठीक होकर वापस चले जाते हैं लंदन, और कुल खर्चा आना जाना और बंबई में ऑपरेशन कराना और 15 दिन रुकना और दवाएं खाना, वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन अगर लंदन में हो तो उसके 1/3 में ही काम चल जाता। मान लीजिए उस पूरे ऑपरेशन में लंदन में 30,000 रुपए खर्च हो तो 10,000 रुपए में यहां हो जाएगा, ऐसे हिसाब लगाइए, 1:3 का रेशियो। तो इतने सस्ते दवाएं, इतनी सस्ते लेवल पे यहां मेडिसिन का सिस्टम या मेडिकल हेल्थ का सिस्टम है, ये दुनिया में बहुत कम देशों में है। तो हमने वो जो पेटेंट कानून बना दिया था 1970 में, उसी का ये नतीजा है कि भारत आज कहीं से कहीं है। आप दूसरा एक उदाहरण मैं देना चाहूं, उसी पेटेंट कानून का नतीजा है कि आज हम दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक जमाना ऐसा भी था कि भारत में कंप्यूटर आएगा इसके बारे में शक होता था, और आज ऐसा भी जमाना हम देख रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान का माना जाता है। इस समय अमेरिका में जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उसमें जो जानकारी है वो ये है, करीब 60% लोग भारतीय हैं, और उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इस समय बिल गेट्स के बाद दूसरे नंबर पर एक मराठी भाई, तो कहां से कहां हम पहुंचे। एक जमाना ऐसा भी था कि हम कंप्यूटर बना पाएंगे, इसमें शक होता था, आज हम कंप्यूटर ही से नहीं बना रहे हैं, सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, परम 10,000 बना रहे हैं, कंप्यूटर के बेस्ट क्वालिटी के इंजीनियर्स हम बना रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट की बड़ी डिमांड है दुनिया भर में। ये सब हुआ है चमत्कार उस पेटेंट कानून के कारण। ऐसे ही हिंदुस्तान में पिछले 10-15 वर्षों में जो आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विकसित हुई हैं। आपको मैं गिनती से सुनाऊं तो शायद आपको अंदाजा, 1970 के पहले हिंदुस्तान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स की संख्या अगर गिनी जाए तो कुछ 15,000 से 20,000 के आसपास थी। आज सारे देश में 20 लाख यूनिट्स हैं स्मॉल स्केल की, जिनकी लिमिट 3 करोड़ रुपए के आसपास। तो इतना बड़ा विकास ये कैसे हो गया है, 1970 के उस पेटेंट एक्ट के कारण हुआ है। माने हर क्षेत्र में हम स्वावलंबी होने की दिशा में बढ़े हैं उस कानून के बाद। अमेरिका को ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था और उन्होंने शुरू से ही इसका बहुत ताकत से विरोध किया था और सीधे थ्रेट करना शुरू किया था। एक और दुर्घटना हुई थी, उनके लिए दुर्घटना लेकिन हमारे लिए घटना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत ताकत के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन, और उसके पहले जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था वो इतना हफ्तेजार था, इतना बेईमानी का तंत्र था, उसके बारे में आप आज कल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत ताकत और हिम्मत के साथ राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, अमरीका को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि यहां जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का तो अमेरिकन बैंकों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई थी, और 1966-67 में कुछ अमेरिकन बैंकें यहां पर आई थी जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने बाइज्जत भेज दिया था वापस राष्ट्रीयकरण करके, और उन्होंने कह दिया था कि भारत में एक ही तरह का बैंक चलेगा जो हमारा नेशनल बैंक होगा, हमको कोई प्राइवेट बैंक की जरूरत नहीं। अमरीका उस समय भी बहुत बौखलाया, और उस समय भी उन्होंने हमारे कई वैज्ञानिकों को, मैंने अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए वापस भेज दिया था। 1977 में भी हुआ, 1977 में क्या हुआ था, मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉर्ज फर्नांडीज उनके उद्योग मंत्री बने, और एक दिन मुरारजी भाई देसाई ने एक सवाल पूछा अपने सेक्रेटरी से, कुछ बात चल रही थी कोका कोला के बारे में, तो मुरारजी भाई को मालूम नहीं था कि कोका कोला भी कोई कंपनी होती है, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये कंपनी है, तो क्या करती है, तो बोतल में पानी भर के बेचते, तो उस पानी में क्या मिलाते हैं, तो उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तो फिर पूछा कि इसकी हमको जरूरत है क्या, ये कोई जरूरत नहीं, तो फिर ये कंपनी क्यों है भारत में। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो कि उद्योग मंत्री थे और उस समय यंग टर्क हुआ करते थे, एक जमाने के जॉर्ज फर्नांडिस
अगर कहें तो रेल बंद हो जाती थी पूरे देश में। बड़ौदा का वो जो डायनामाइट केस हुआ था उसके वो हीरो माने जाते थे उस जमाने। दो ही लोग थे बड़ौदा डायनामाइट केस के हीरो, जॉर्ज फर्नांडिस और श्रीमती सुषमा स्वराज। ये दोनों बड़ौदा डायनामाइट केस के हीरो माने जाते थे भारत में, और कांपती थी सरकार और अधिकारी इनके नाम से डरते थे उस जमाने। तो जॉर्ज फर्नांडिस खुद भी बहुत अति उत्साही आदमी थे, तो इशारा मिला तो उन्होंने कोका कोला को नोटिस दे दिया कि आप हिंदुस्तान छोड़ दो, और उन्होंने कहा या तो आप अपना फॉर्मुलेशन बताओ कि उसमें आप क्या मिलाते हो, और अगर आप नहीं बताते तो आप हिंदुस्तान छोड़ दो। तो कोका कोला ने हिंदुस्तान छोड़ा। फिर कोका कोला गया, उसके बाद आईबीएम को भेजा उन्होंने। आईबीएम उस समय यहां कंप्यूटर बेचने के लिए आया, तो मुरारी भाई देसाई ने कहा कि हम कंप्यूटर नहीं बना पाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बना पाएंगे, कुछ समय लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इंतजार करेंगे, हमें आपका कंप्यूटर नहीं चाहिए, आप जाइएगा। आईबीएम को भेज दिया, फिर आईसीएल को भेजा, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को भेजा, फिर आईसीएल को भेजा। समर्थक लोग रहे इस देश में, शायद आज भी हैं, तो उन्होंने मुरारजी भाई देसाई की ग्रिलिंग करना शुरू कर दिया, लेग पुलिंग करना शुरू किया, नेगिंग करना शुरू किया। आपने फालतू का पंगा ले लिया उनसे, अभी ऐसा भी कहते थे कि आपने फालतू का उनसे झगड़ा मोल ले लिया। तो वो कह रहे थे कि कोका कोला यहां आए, मुरारजी भाई का एक तर्क था, वो ये कह रहे थे कि कोका कोला आया, उन्होंने स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे कराए थे सब कोका कोला के। तो कोका कोला ने 6.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था भारत में उस समय, और जिस साल मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने उस साल कोका कोला नेट प्रॉफिट ले गया था 18 करोड़ रुपए का। तो उनका कहना था कि 6.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया कोका कोला ने और 18 करोड़ रुपए एक साल में प्रॉफिट कमा के ले जा रहा है, तो ऐसा धंधा हमको तो नहीं चलाना इस देश में। और कोई ऐसी चीज बेच रहा हो जो हमारे जरूरत की हो, हमारे काम की हो, हमारे प्रायोरिटी की हो, तो समझ में भी आता है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला के बेचना, यह तो हमारी प्रायोरिटी नहीं। और उनका वही होता था कि हमें तो पहले गांव में पीने का पानी देना है, कोका कोला हमें जरूरत नहीं। ऐसे आईबीएम और आईसीएल के बारे में उन्होंने कह दिया था। तो उस समय भी अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों को इतना परेशान किया था, भारतीय इंजीनियरों को इतना परेशान किया था, इस तरह से रीशफलिंग की गई थी। और उसके बाद अमेरिकन सरकार ने एक अलिखित कानून सा बना दिया, अनरिटन एक उनके यहां एक्ट जैसा है, कि भारतीय लोगों को हमेशा से सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना के रखो या थर्ड ग्रेड सिटीजन बना के रखो, वो चाहे जितने ऊंचे क्यों ना हो, वो उनकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों ना हो जाए, किसी बड़े से बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उनकी सिटीजनशिप की हैसियत हमेशा से सेकंड ग्रेड रहे, थर्ड ग्रेड रहे। तब से 1977 से ये किस्सा चला आ रहा है, 1965, फिर 1970, फिर 1977 और आज फिर। माने अगर इस पूरे लिंक को जोड़कर समझने की कोशिश की जाए तो इसमें से एक इन्फरेंस, माने एक वो निकाला जा सकता है, एक हां निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वो निष्कर्ष ये बताता है कि जब जब हम स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़ें, जब जब हम कुछ शक्ति हासिल करने की कोशिश करें, जब जब हम कुछ नया करने की कोशिश करें, तब तब अमरीका इस तरह की अड़ंगेबाजी करता रहता है। और अब आपकी आंखों के सामने है कि आज के अखबार की खबर है और 15-20 दिन पहले की खबर है। तो ये दिखाता है इस बात का कि अमेरिका में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है जैसा कि वो दावा करते हैं। डेमोक्रेसी में माना यह जाता है कि हर व्यक्ति के अधिकार बराबर हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक अगर वहां अमरीकी बनकर रह रहे हैं, अमरीकी सिटीजन की हैसियत से रह रहे हैं, तो उनके अधिकार अमरीकी लोगों के अधिकारों के बराबर हैं, ये बात तो सिद्ध साबित नहीं होती आज की दुर्घटना के बाद। तो भारतीय नागरिक वहां अमरीकी नागरिक के हैसियत जैसे नहीं है, ये सिद्ध हो गया। या डॉक्टर चिदंबरम की हैसियत वो ही नहीं है जो अमेरिका में किसी मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई की होगी, उनको मना कर दिया गया वीजा के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसका जवाब देने की जरूरत है, और इसका जवाब ऐसे देने की जरूरत है कि मिस्टर बिल क्लिंटन भारत आने वाले, तो उनके भारत आने के पहले आप सरकार पर इतना दबाव बना दीजिए कि बिल क्लिंटन को भारत आने का वीजा ना दिया जाए। अभी बिल क्लिंटन चीन गए थे, चीन की सरकार ने वीजा दिया उनको,
लेकिन भारत की सरकार बिल क्लिंटन को भारत आने का वीजा ना देने पाए, ऐसा कुछ काम अगले 6 महीनों में हमको करना चाहिए। और ये काम हम कर सकेंगे, मुझे इसमें उम्मीद है, ये काम हम कर सकेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि 6 महीने का समय हमारे पास है। बिल क्लिंटन जब आने वाले हैं, आज से लगभग 6 महीने का टाइम उसमें है, तो ये 6 महीने हमारे लिए शायद परीक्षा की घड़ी होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को तात्कालिक रूप से एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि अगर अमेरिका में भारतीय वैज्ञानिकों को जाने के लिए वीजा नहीं मिलेगा तो हम बिल क्लिंटन को भारत आने के लिए वीजा देने के बारे में सोचेंगे। बस इतना काफी है, इतना काफी है। और आप देखेंगे कि उसके बारे में आपको अंदाजा लग जाएगा। और फिर हो सकता है कि बिल क्लिंटन की तरफ से मैसेज आए कि हमें आपकी आपत्ति मंजूर है, लिहाजा हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल क्लिंटन को भारत का बाजार चाहिए। हमको बिल क्लिंटन नहीं चाहिए, हमको अमेरिका भी नहीं चाहिए, हमको अमेरिकी कंपनियां भी नहीं चाहिए। हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है। और उनको हमारी जरूरत क्यों है? वो इसलिए है कि इस समय अमेरिका का बाजार स्टैग्नेट हो गया है, माने अभी अमेरिका का बाजार निश्चित हो गया, अभी उसमें आगे गुंजाइश नहीं है। जो माल अमेरिका में इस समय बिक रहा है अमेरिकी कंपनियों का, उससे ज्यादा माल बिकने की गुंजाइश अब उनके बाजार में खत्म हो गई है। इसी को कहते हैं कि मार्केट स्टैग्नेट हो गया, तो उनके बाजार में अब ज्यादा माल बिकने की संभावना नहीं है। दूसरे पड़ोसी बाजारों में उन्होंने माल बेचने की कोशिश की है तो वहां पे उनको करारा झटका लगा, जैसे लैटिन अमेरिकन देशों ने भी अब अपनी सीमाओं को बंद करना शुरू कर दिया। और जापान की सरकार ने तो अभी अद्भुत घोषणा कर दी 2 दिन पहले। जापान के नए प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने नारा ही दे दिया है बी जैपनीज एंड बाई जैपनीज, उन्होंने नारा दे दिया नए प्रधानमंत्री। और उनका यह कहना है कि हम जो बर्बाद हो गए, जापान बर्बाद हुआ है, आप सब जानते हैं डॉलर में 40 येन होता था, अभी 146 तक पहुंच गया। तो जापानीज सरकार के पुराने प्रधानमंत्री श्री हाशिमोतो ने यह काम किया कि अमेरिका के कहने पर अपनी करेंसी को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया, फुल कन्वर्टेबल बना दिया। फुल कन्वर्टेबल जब हो जाती है कोई करेंसी तो उस करेंसी की जो वैल्यू होती है वो मार्केट में तय होती है, सरकारें उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती। तो जापान की सरकार ने अमेरिका के कहने पर ऐसा किया, और जब जापान की सरकार ने अपनी करेंसी को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया तो उसके नतीजे ये निकले कि उनका येन बुरी तरह से गिरा। मार्केट फोर्सेस के द्वारा अगर स्पष्ट कहें तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया और वो 40 से 146 पर पहुंचा दिया गया। अब जापानीज लोगों में अमेरिका के प्रति गुस्सा पैदा हो रहा है, और वैसा ही गुस्सा पैदा हो रहा है जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। और इस गुस्से के दुष्परिणाम अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई दे जाएंगे। जापानीज सरकार अमेरिकन माल के लिए अपना मार्केट टाइट करने जा रही है, और उसमें अमेरिका को कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती कि अब अमरीकी सामान जापान के माल में, वो जापान के बाजार में बिक सकेगा। दूसरा, बिल क्लिंटन अभी चीन गए थे तो इसीलिए गए थे कि उनको चीन का बाजार तलाशना है। चीन के बाजार में अमेरिका को अपना माल बेचने की गुंजाइश दिखाई देती है, क्योंकि एक तो आबादी बहुत है, करीब 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है, तो 130 करोड़ लोगों का देश है, आबादी बहुत है, मार्केट में गुंजाइश बहुत है, एक्सपेंशन हो सकता है। दूसरा, चीन के साथ दोस्ती करने से भारत के खिलाफ भी बंदूक चलाई जा सकती है चीन के कंधे पर रख के, ये मानकर वो चीन गए। और गए क्या, 1000 लोगों को लेके चीन पहुंचे, जैसे बारात गई हो बिल क्लिंटन की चीन। अभी तक कोई अमेरिकन राष्ट्रपति इतने बड़े पैमाने पर चीन जाने के लिए उत्सुक नहीं हुआ, और एक ऐसे देश में बिल क्लिंटन गए जिसको वो कुछ महीने पहले तक कहते थे कि सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, माने गैर प्रजातंत्र वाला देश। दूसरा, मानते थे कि इस देश में नागरिक अधिकारों का कुछ भी सम्मान नहीं है, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। तो पहले नागरिक अधिकार की बात करते थे, फिर अनडेमोक्रेसी की बात करते थे वहां पर, फिर 50 तरह की दूसरी। हां, एक बार थेनानमन चौक पे वो नरसंहार हो गया था, चीन की सरकार ने गोली चलवा दी थी, तो इसको सालों साल तक उछाला था अमरीकी मीडिया ने और अमरीकी सरकार ने, तो वो सब भूल गए। कल तक कहते थे कि ये है, फिर अचानक से चीन भागकर चले गए, और वो भी
इसलिए गए कि उनको चीन का बाजार तलाशना है और चीन के बाजार के साथ साथ भारत पर अगर अटैक करना हुआ तो चीन शायद उनकी मदद करेगा। इस दृष्टि से वो चीन गए और इसी दृष्टि से वो भारत आना चाहते हैं। उनको बाजार चाहिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बाजार के लिए सारी दुनिया में जाती थी, जो देश आसानी से उनको बाजार दे दें तो बहुत अच्छा, ना उनको बाजार दें तो उस देश को गुलाम बनाती थी, उस देश के संसाधनों को बर्बाद करती थी, उस देश की जनता को मानसिक गुलामी में धकेलती थी ताकि लगातार उनका माल बिक सके। ठीक वही काम इस समय बिल क्लिंटन कर रहे हैं। उनको अपने माल को बेचने के लिए दुनिया भर का बाजार चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में इस समय स्टैग्नेशन आया है और स्टैग्नेशन फिर बाद में रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अमेरिका में इस समय बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है, तो अमेरिका में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो उनकी कुर्सी के लिए खतरा पैदा कर सकती है। एक ना एक दिन अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने दे तो वो कुछ समय ही रह सकता है, ज्यादा समय रह नहीं सकता वहां के पद पर, निकलना पड़ेगा उसको वहां से। तो बिल क्लिंटन की अपनी भी परेशानी है, इससे ज्यादा माल वहां बिक नहीं सकता। और अमेरिकन मार्केट स्टैग्नेट क्यों हुआ है, वो एक साधारण सी बात है समझने वाली कि एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, कोई आदमी कितने सामान इस्तेमाल करे, कितने सामान खरीदे। एक आदमी एक दिन में दो जोड़ी कपड़े पहन सकता है, 100 जोड़ी तो नहीं पहन सकता। एक आदमी एक दिन में 2-3 बार पेस्ट कर सकता है, 50 बार तो नहीं कर सकता। एक आदमी एक दिन में 2-3 जोड़े जूते के पहन के बदल सकता है, 100-200 जोड़े तो नहीं कर सकता। एक आदमी एक दिन में एक ही बिस्तर पे तो सो सकता है, 2-5 बिस्तर पे तो नहीं सो सकता। ऐसा तो नहीं होता कि हाथ एक बिस्तर पे, दूसरा हाथ दूसरे बिस्तर पे। और एक आदमी एक बार में एक ही कार इस्तेमाल कर सकता है, 10-20 कारें भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार में एक ही टेलीविजन देख सकता है, 15-20 टेलीविजन भी नहीं देख सकता। तो उनके यहां क्या हुआ है, उपभोग की अंतिम सीमा आ गई है, इससे ज्यादा भोग करना उनके लिए संभव नहीं है, इससे ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करना उनके लिए संभव नहीं है। अब जब भोग की सीमा आती है तो सामान बिकने की दर कम हो जाती है, तो अब अमरीकी लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया है और उस तरह की क्रेज जो उनको कभी होती थी 20 साल पहले वो अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो बाजार में सामान कम बिक रहा है तो कंपनियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और उससे उनकी चिंता बहुत ज्यादा है। और उनकी चिंता इस बात से भी बहुत ज्यादा है कि दुनिया में कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांत दे दिए। एक अर्थशास्त्री हो गए एडम स्मिथ, जिन्होंने विकास की परिभाषा ही ऐसी तय कर दी। रॉबिन्सन हो गए, फिर और तमाम हो गए। इन सब अर्थशास्त्रियों ने कुल मिलाकर जो विकास की परिभाषा तय की वो ये थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपभोग करो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूम करो, आपके कंजम्पशन का पैटर्न जितना बढ़ता चला जाएगा, आपके भोग करने की दर जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने ही आप विकसित होते चले जाएंगे। तो विकास की उन्होंने एक परिभाषा दे दी। दुर्भाग्य से ये अमेरिका और यूरोप वाले देश सब उसी में फंस गए कि ज्यादा से ज्यादा भोग करना है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना है तो उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा करना है, तो भोग करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, तो विकास उसी से होगा। तो बहुत सारी चीजें फिर उसके हिसाब से उन्होंने तय करना शुरू किया, जबकि मानव की स्वाभाविक प्रकृति त्याग करने की होती है, वो चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का। कुछ देर के लिए आप उसको जबरदस्ती भोग कराने में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी नेचुरल टेंडेंसी के बारे में समझने की कोशिश करें, नेचुरल इंस्टिंक्ट के बारे में समझने की कोशिश करें, तो वो त्याग करने की ही होती है। इसलिए भारत के मनीषियों में और अमरीकी अर्थशास्त्रियों में बड़ा भारी फर्क रहा। यहां के मनीषियों ने विकास की एक ऐसी कल्पना की जिसमें आपसे कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिलॉसफी है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग, त्याग भी नहीं भोग भी नहीं, त्याग पूर्वक भोग। तो आप मनुष्य हैं, मानस हैं, और अगर आप त्याग में निकल गए तो आप फिर ईश्वर हैं। किसी भी समाज में त्याग करने वालों को ईश्वर मान लिया गया वो भारत में ही मिलेगा आपको। उदाहरण के लिए भगवान राम महल में रहते हैं, दशरथ के बेटे हैं, राजकुमार हैं, तब तक उनको कोई नहीं पूजता।
जब महल छोड़ दिया, राजकुमारी छोड़ दी, सब कुछ ऐशो आराम छोड़ दिया और 14 साल तपस्या करने के लिए चले गए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं ना, राजकुमार राम की पूजा तो कोई नहीं करता इस देश में। या महात्मा बुद्ध जब अपने ऐशो आराम छोड़कर साधना के पथ पर निकले, उन्हीं गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है ना, उसके पहले वाले की तो कोई नहीं करता। या महावीर स्वामी, सब कुछ छोड़ा, ऐशो आराम छोड़ा, महल छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, साधना की, तो तीर्थांकर हो गए, ईश्वर मान लिए गए। माने हिंदुस्तान में जो जितना ज्यादा त्याग करे वो उतना ही ऊंचा, माने जो जितना त्याग करे वो उतना ही विकसित, और विकास के उस चरम पर कि हम सब उसके सामने झुकना शुरू कर दें। हमारे देश में आप और हम सब साधु संतों के सामने झुकते हैं तो उनके त्याग के कारण, भोग में नहीं झुकता कोई भी आदमी, तो भोग में झुकने का संभव भी नहीं है। तो यहां तो त्याग आधारित विकास रहा और वहां तो भोग आधारित विकास रहा। त्याग आधारित विकास लंबे समय तक चलता है, 2000 साल चलेगा, 5000 साल चलेगा, 10000 साल चलेगा, 25000 साल भी चल सकता है, 1,00,000 वर्ष तक भी चल सकता है, क्योंकि सस्टेनेबल होता है। भोग आधारित विकास तो 50 साल में ही खड्डे में पहुंच जाता है, क्योंकि लगातार भोग करते करते आदमी एक ऐसी सीमा पर पहुंचता है कि वहां फिर पशु में और उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता, और फिर उसके जीवन का वो आखिरी हिस्सा होता है। और हम त्यागमय हैं, ये प्रकृति भी है हमारी। जैसे मैं कभी किसी आदमी से कहता हूं, कुछ लोग जो अमेरिकन हो गए हैं, बहुत दिमाग से वेस्टर्न हो गए, मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़ते थे, दिमाग से अमेरिकन हो गए, शरीर से हिंदुस्तानी दिखते हैं, मुझसे अक्सर बहस करते हैं, कहते हैं क्या फालतू की बात करते हो, क्योंकि उन्होंने कीन्स पढ़ा है, एडम स्मिथ पढ़ा है, रॉबिन्सन को पढ़ा है, मैंने तेन तक तेन भुंजी था पढ़ा। तो मैं कहता हूं भाई कि त्याग आधारित ही विकास दुनिया में चल सकता है, वो ही सस्टेनेबल हो सकता है। वो कहते हैं कि तब फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, मैंने कहा डेवलपमेंट भी उसी में होगा, उसी के आधार पर होगा। कहने लगा नहीं नहीं तुम्हारी बात फालतू की है। तो मेरा एक दोस्त है, आजकल मैसाचुसेट में है, एक बार मेरी उससे लंबी बहस हो गई, तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि अपने जीवन में तुम सिर्फ भोग ही भोग करते रहो, त्याग नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। कहने लगा वो कैसे। मैंने कहा ये बताओ सवेरे सवेरे तुम टॉयलेट क्या करने जाते हो, त्याग करने जाते हो भोग करने जाते हो। एग्जाम्पल मैंने बहुत क्रूड चुना ताकि आपको समझ में जल्दी आए। और मान लीजिए हम रात को सोए और सवेरे उठ के हमने तय किया कि हम कुछ भी त्याग नहीं करेंगे, तो आप बताइए आप 2 दिन जिंदा रहेंगे कि 3 दिन। माने त्याग से ही चलता है आदमी, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है। और जो स्वाभाविक प्रक्रिया के आधार पर आप कोई अगर पद्धति बनाए या विकास की दर तय करें या विकास के मानक तय करें, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। तो यह भारतीय समाज में टिकने की व्यवस्था बहुत सनातन है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है। अमेरिकी समाज अब स्टैग्नेट कर रहा है, मार्केट भी स्टैग्नेट कर रहा है उनका, अब भोग की गुंजाइश नहीं रही है उनको, तो माल बिकता नहीं है, उसी माल को उन्हें बिकवाना है या तो चीन में, या तो भारत में, या तो इंडोनेशिया में, या तो मलेशिया में, या तो साउथ कोरिया में, या तो कहीं और देशों में। तो उन्होंने एक नए तरह का कॉलोनाइजेशन शुरू किया है, और उस कॉलोनाइजेशन का प्रतीक है अमेरिका की ये जो चीजें चल रही हैं, उनके ये जो रिएक्शंस हैं, ये उस कॉलोनाइजेशन के प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो व्यवस्था पर चलने का सोचा है, अगर हम पहले से उसके बारे में नाकेबंदी नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है नुकसान फिर खा जाएं, क्योंकि हम तो बहुत नुकसान खा चुके हैं पिछले 1,500-2,000 साल से इस तरह की व्यवस्थाओं में फंसते रहे हैं। भारत के बारे में मुझे एक ही बात कहनी है जो मुझे थोड़ी खराब लगती है, कि हम बहुत समृद्ध समाज थे, बहुत शक्तिशाली समाज थे, हमारे पास उत्पादन बहुत था, समृद्धि बहुत थी, पैसा बहुत था, कुछ भी हमारे पास कमी नहीं थी। पैसे के बारे में, हमारे बारे में सारी दुनिया जानती थी कि हम सोने की चिड़िया थे। हिंदुस्तान में जो भी बाहर से विदेशी आए, उस विदेशी ने भारत के बारे में जो भी कुछ लिखा वो यही बताता है कि हमारे पास समृद्धि और संपत्ति कितनी थी। एक छोटी सी डायरी मेरे पास है पियरे बर्नियर की, जो उसने लिखी थी जब वो सूरत आया था।
पियरे बर्नियर एक साइंटिस्ट था, फ्रांसीसी था, उसने बर्नियर कैलिपर्स बनाया। यहां कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो वो जानते होंगे बर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था पियरे बर्नियर, वो घूमता घूमता भारत आया और भारत में कुछ दिन सूरत में ठहर गया था। तो उसने एक डायरी लिखी है, फ्रेंच में है ओरिजिनली, मैं थोड़ी फ्रेंच जानता हूं, और वो डायरी मुझे सॉर्बोन से मिली। तो उसमें उसने बहुत सारी बातें लिखी है, मैं दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं तो हमारी संपत्ति और समृद्धि का अंदाजा आपको मिल सके। वो ये कह रहा है कि दुनिया में मैंने बहुत देश देखे हैं, लेकिन सूरत के आने माने सूरत में आने के बाद ऐसा अद्भुत शहर मैंने कहीं नहीं देखा। क्या देखा उसने सूरत में? कह रहा है कि इस शहर के किसी भी घर में ताला नहीं लगता। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 450 साल पुरानी बात है। जब फ्रांसीसी डुप्ले है ना यहां पर, जो इतिहास के विद्यार्थी वो जानते होंगे, डुप्ले एक आया था सेनापति के रूप में, वो कुछ दिन रहा था यहां पर, तो जिस जमाने में डुप्ले है उसी जमाने में ये आया है पियरे बर्नियर, मुश्किल से 400-100 साल की बात है। तो वो कह रहा है कि मैंने पूरे शहर में कहीं किसी के घर में ताला लगा हुआ नहीं देखा। फिर खुद ही लिख रहा है डायरी में कि यहां मैंने कई लोगों से पूछा है कि आप ताला क्यों नहीं लगाते हैं, तो वो उल्टा पूछते हैं कि ये ताला क्या होता, किसी को मालूम ही नहीं है कि ताला भी कुछ होता। फिर वो लिख रहा है कि ये लोग ताला क्यों नहीं लगाते हैं, तो किसी ने उसको जवाब दिया होगा, वही जवाब उसने डायरी में लिखा है कि यहां का हर आदमी ये कहता है कि हमको चोरी का डर नहीं तो ताला क्यों लगाएं, और चोरी का डर क्यों नहीं है क्योंकि चोरी होती नहीं। चोरी होती क्यों नहीं है? क्योंकि हर घर में इतनी संपत्ति है कि उसको दूसरे की संपत्ति की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं। और हम तो इस मान्यता के हैं ना कि दूसरे का धन तो मिट्टी समान है। अगर दूसरे का धन मिट्टी समान है तो फिर चोरी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो वो कह रहा है चोरी होती नहीं, चोरी होती नहीं तो ताला कोई लगाता नहीं, और चोरी इसलिए नहीं होती कि हर घर में इतनी संपत्ति है। एक बात और लिख रहा है कि यूरोप में तो इतनी गरीबी है, यूरोप में तो इतनी भूखमरी है, यूरोप में तो इतनी बेरोजगारी है, यहां तो ना गरीबी दिखाई देती ना बेरोजगारी दिखाई देती। वो बहुत आश्चर्य से एक वाक्य लिख रहा है कि मुझे पूरे सूरत में आज तक एक भी भिखारी नहीं मिला, जो वो कहता है कि पेरिस में तो इस समय बहुत भिखारी है, सूरत में एक भी भिखारी नहीं मिला उसको। और कहता है कि लोग यहां के कितने अजीब हैं। अब उसको वो अजीब दिखाई देता, हमारी वो ईमानदारी हो सकती है। वो कह रहा है कि यहां के लोग क्या करते हैं कि जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो अपने घर की सारी संपत्ति निकाल के मंदिर में छोड़ जाते हैं, अभी भगवान जी उसकी रक्षा करते हैं, लौट के आते हैं तो संपत्ति मंदिर से वापस अपने घर में ले जाते। कहता है किसी को डर ही नहीं लगता। और ऐसे ढेर सारे नरेशंस कर रहा है और अंत में कह रहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं फ्रांस छोड़कर यहां रहना शुरू करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सूरत के नवाब ने उसको परमिशन नहीं दी है रहने की, तो कह रहा है कि छोड़ के जाना पड़ेगा। और उसमें एक लास्ट जो वाक्य उसने लिखा है, बॉ, बॉ एक शब्द होता है फ्रेंच में जिसका नाम होता है गुड, बहुत अच्छा सूरत, बॉ सूरत, ऐसा करके उसने खत्म किया डायरी। तो यहां तो समृद्धि बहुत रही है, पैसा बहुत रहा है, हमारे यहां विकास के शायद बहुत ऊंचे शिखर भी हमने तय किए होंगे, जरूर यह सब हुआ होगा, लेकिन एक चीज में हम हमेशा से कमजोर रहे, और वो कमजोरी हमारी ये थी कि बाहर से आने वाले किसी भी आदमी की प्रकृति को समझे बिना या तो हमने उसको अपना अतिथि बनाया, या तो उसको आक्रमण करने का न्योता दे दिया, या तो उसके साथ दोस्ती की। मैं ये नहीं कहता कि किसी को अतिथि मत बनाइए, मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप दोस्ती मत करिए किसी से, मैं ये भी नहीं कहता कि अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखिए, सब करिए, लेकिन एक सावधानी के साथ कि आने वाले की प्रकृति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर भारतीय लोगों ने इतना ही सोचा होता कि ये वास्को डिगामा का बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, या डुप्ले का बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, या टॉमस रो का बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, या मोहम्मद बिन कासिम का बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, या महमूद गजनवी का बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तो शायद हमको ये दुर्दिन ना देखने पड़ते, यहीं पर हम मार खा गए। और उस बात को मैं यहां जोड़ना चाहता हूं कि बिल क्लिंटन को भारत में आने से पहले हमको 50 बार सोचना चाहिए कि बिल क्लिंटन का बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, नहीं तो हो सकता है फिर हम कोई मार खा जाए उनसे। क्योंकि जब जब हमने बिना किसी को समझे, बिना उसकी प्रकृति को समझे, अपने देश के दरवाजे खोले हैं, अपने अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाया है, जरूर अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते चलिए, क्योंकि उससे बड़ी दुनिया में कोई दूसरी परंपरा हो नहीं सकती है जो एकदम अनजान अतिथि को अपना बना लेती है,
लेकिन सावधानी ये रखिए कि उस अतिथि के आगे पीछे की जानकारी आपको, मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई अतिथि अगर आने वाला है और हमको पहले से मालूम है, अतिथि असली तो वो होता है जो बिना अतिथि के आता है और बिना बताए आता है, लेकिन जो बता के आ रहा है, जो तय करके आ रहा है, बिल क्लिंटन तो बता के आ रहा है ना 6 महीने बाद में आने वाला, तो जो बता के आ रहा है, तय करके आ रहा है, उसके बारे में तो पूरी फौज खबर कर लें, उसको तो इस तरह से हम ट्रीट नहीं कर सकते जो बिना तिथि वाला एक को हम करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक राष्ट्र के स्तर पर हमको अभी यह सावधानी रखने की जरूरत है कि बाहर से आने वाले की पूरी खोज खबर लिए बिना, उसकी पूरी प्रकृति को समझे बिना हम उसके लिए अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे। और ये इस बात से समझ लेना चाहिए कि बिल क्लिंटन ने चीन जाने के पहले अपने पार्लियामेंट में क्या कहा, मुझे लगता है कि वो हमको सूत्र वाक्य के रूप में समझ लेना चाहिए। बिल क्लिंटन ने चीन जाने के पहले अपने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट किया वो मैं आपको फिर से कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी शक्ति के साथ मैं एशियन एंड पैसिफिक नेशंस के, माने एशिया और पैसिफिक जो राष्ट्र हैं, उनके बाजारों को अमरीकी सामान के लिए खुलवाने की ताकत लगाऊंगा ताकि अमरीकी समृद्धि और अमरीकी रोजगार बना रहे और अमरीकी समाज अक्षुण रहे। माने उनकी पूरी ताकत इस बात पर लग रही है बिल क्लिंटन की कि मैं दुनिया के देशों के बाजार, खासकर एशिया और पैसिफिक राष्ट्रों के बाजार अपने माल के लिए खुलवाऊंगा ताकि मेरे राष्ट्र में गरीबी ना आए, मेरे राष्ट्र में बेरोजगारी ना आए और मेरा राष्ट्र अक्षुण बना रहे। इससे दो ध्वनि निकलती है कि कल को अगर अमेरिका में बड़े पैमाने पर गरीबी आ गई तो शायद अमेरिका टूट सकता है, कल को अमेरिका में बड़े पैमाने पर भुखमरी आ गई तो शायद अमेरिका टूट सकता है, इसलिए उनको चिंता है अपने राष्ट्र को अक्षुण रखने की। तो यही तर्क हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हमारे देश में गरीबी ना आने पाए, हमारे देश में बेरोजगारी ना आने पाए, हमारा समाज भी अक्षुण रहे, तो हमको भी इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपना माल हमारे बाजार में ना बेच रहा है। तो बिल क्लिंटन की प्रकृति को अगर समझना है तो इस एक वाक्य से समझ सकते हैं कि वो क्यों भारत आना चाहता है, या वो क्यों चीन गया था, या वो क्यों दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहा है। उनको अपना माल बेचना है, उनके पास मार्केट खत्म हो गया, मार्केट सिर्फ हमारे पास है। और दुनिया में आज जिन लोगों के पास बाजार है वही ताकतवर हैं, जिनके पास बाजार नहीं है उनके पास कोई शक्ति नहीं, क्योंकि अभी तो बाजार की शक्ति से शक्ति तय होती है। तो हम एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं, यह एहसास हमको अब होना ही चाहिए, कम से कम 11 मई के बाद तो होना ही चाहिए। और हम एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं क्योंकि हमारे पास 98 करोड़ लोगों का देश है, क्योंकि हमारे पास 30 करोड़ लोगों का मार्केट है जो पूरे अमेरिका में नहीं है। अमेरिका की कुल आबादी 27 करोड़ है, मार्केट अगर उनका ध्यान में रखा जाए तो मुश्किल से 15 करोड़ लोग हैं जो मार्केट की कैपेसिटी के अंदर आते हैं। तो इतना बड़ा मार्केट तो अमेरिका के पास भी नहीं है जो हमारे पास है। यूरोप के 12 देशों को मिला दीजिए तो इतना बड़ा मार्केट उनके पास नहीं है जो हमारे पास है। तो ये जो 30 करोड़ लोगों का बाजार है, इसके पोटेंशियल को हम समझें, इसकी शक्ति को हम समझें, और आज की दुनिया में यही शक्ति देता है। तो हम मार्केट के मालिक हैं, हम बैगर नहीं है, हम चूजर हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से बहुत दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं, पैसे में शायद बहुत अमीर हो सकते हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति हो सकता है उन्होंने जमा की हो, लेकिन हमेशा से वो आपको तर्क देंगे बैगर्स आर नो चूजर्स, जैसे हम ही बैगर हैं। आप जब भी बात कर लीजिए, ये स्वदेशी की बात आप किसी के साथ करिए, और कोई हाईफाई आदमी मिल जाए, हाईफाई से मेरा मतलब अमेरिकन हो चुका है जिसका दिमाग, या यूरोपियन हो चुका है उसका दिमाग, वो आपको मिल जाए तो आपको तड़ से एक तर्क दे देगा बैगर्स आर नो चूजर्स, जैसे हम ही सबसे बड़े भिखारी। माने जब हम उनसे ये तर्क करते हैं, वो हमसे पहला सवाल ये करते हैं, राजीव भाई परदेशी टेक्नोलॉजी आएगी, आप क्यों कर रहे हैं स्वदेशी का काम, परदेशी टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, परदेशी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो देश का विकास नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई परदेशी टेक्नोलॉजी कभी आती नहीं है,
जहां हमको जरूरत होती है वहां तो बिल्कुल नहीं आती है। हमको सैटेलाइट बनाने में जरूरत है वहां नहीं आएगी, हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने हैं वहां नहीं आएगी, हमको हिंदुस्तान में क्रायोजेनिक इंजन बनाना है वहां नहीं आएगी, हमको सैटेलाइट के साथ साथ हमारी मिसाइलें बनानी है 5000 किलोमीटर की मार करने वाली वहां नहीं आएगी, हमको सुपर कंप्यूटर बनाना है वहां नहीं आएगी, हमको सुपर कंप्यूटर से आगे के कंप्यूटर बनाने, माने जो हाईटेक एरिया है वहां तो कहीं आती नहीं, आती कहां है टेक्नोलॉजी, फिर तो कहां आएगी? आलू का चिप्स बेचने के लिए आएगी, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आएगी, आम का अचार बेचने के लिए आएगी, डबल रोटी बेचने के लिए आएगी, पाव रोटी बेचने के लिए आएगी, टॉफी चॉकलेट बिस्किट के लिए आ जाएगी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं तो बोतल में पानी भरने के लिए आ जाएगी टेक्नोलॉजी। और ऐसे मानसिक दरिद्र लोग हैं कि इसी को कहते हैं कि यही टेक्नोलॉजी। इस मानसिक दरिद्रता का एक पैमाना मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे घर में मेरी मां टमाटर की चटनी बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन जो मानसिक दरिद्रता वाले लोग हैं उनको अपनी मां की बनाई हुई टमाटर की चटनी अच्छी नहीं लगती, उनको मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस चाहिए। क्यों? इट्स डिफरेंट। और मेरी मां बनाती है, आप सबकी मां बनाती होगी, कुछ खास बात है क्या टमाटर की चटनी बनती? लेकिन वो नहीं खाएंगे, अभी खाएंगे अमेरिका से जो बन के आएगी। हमने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि हमारे देश की करोड़ों माताओं के हाथ में क्या टेक्नोलॉजी है। और इस बात का मुझे भी एहसास तब हुआ जब मैं यूरोप गया। मैं आपको तकलीफ की बात बता रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। इतने दिन मैं टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ता रहा, मुझे नहीं कभी बताया गया कि मेरी मां के हाथ में क्या टेक्नोलॉजी है। मैंने यूरोप में जाकर देखा कि वहां जो आम होता है हाईली पेरिशेबल आइटम माना जाता, माने बहुत जल्दी खराब होने वाला, कच्चा आम तो बहुत ही जल्दी खराब होता है। तो वहां क्या है कि हाईली पेरिशेबल आइटम, ये जो आम है, कच्चा आम है, इसको सुरक्षित रखने के लिए पता नहीं क्या क्या 3-5 करते रहते हैं, और आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए वो कि कच्चे आम को सुरक्षित कैसे रखा जाए। मेरी मां के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो कच्चे आम को 20 साल तक सुरक्षित रख के दिखा सकती है। कैसे? आम का अचार बना के। आप देखिए, कच्चा ही आम तो है, उसमें कुछ तेल वेल डालेगी, कुछ मसाला डालेगी, लेकिन एंड पॉइंट क्या है कि वो कच्चा आम 20 साल तक सुरक्षित रहने वाला है, पिकल्स के रूप में, अचार के रूप में, मराठी में पता नहीं आप क्या कहते हैं उसको, हां लोनचे, लोनचे कहते हैं। तो ये जो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है इसको हमने कभी माना नहीं। और चूंकि अभी मैगी ने बनाकर बेचना शुरू कर दिया तो हमने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो टेक्नोलॉजी ले आए हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों माताएं आलू से चिप्स बनाती हैं, पोटैटो चिप्स बनाती हैं, और होली के समय में शायद हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा इलाके में बनता है और बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वो हमको टेक्नोलॉजी लगता ही नहीं है। रफल्स हमको टेक्नोलॉजी लगता है, हॉस्टेस में हमको टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, मां के हाथ का बनाया हुआ नहीं अच्छा लगता, उसमें टेक्नोलॉजी ही नहीं लगती। यूरोप के लोगों से एक बार मेरी बहस हुई इस बात पर, कई बार इस तरह की बहस मेरी होती रहती थी। वो कहते थे कि तुम नीचे, मैं कहता था तुम नीचे। तो कहने लगे अच्छा उदाहरण दो उसका, मैंने कहा चलो उदाहरण सुनो तुम। तो पूरे यूरोप में आज तक इतनी तरक्की हुई है लेकिन उनको दूध से घी निकालना नहीं आता, पूरे यूरोप में, और शायद अमरीका में भी यही हालत। दूध से घी कैसे बनाया जाए उनको समझ में ही नहीं आता, वो दूध से मक्खन निकाल लेते लेकिन दूध से घी बनाना उनको नहीं आता। और दूध से भी मक्खन कैसे निकालते हैं, सीधे दूध में से वो लगा देते हैं मशीन, उसमें से कुछ फैट निकल आता उसी को मक्खन मान के खा लेते हैं। तो मैंने कहा तुम तो इतने नीचे हो कि दूध से अभी घी बनाना नहीं सीख पाए 500 साल में, और हिंदुस्तान की एक एक घर में किसी से भी पूछ लो कि दूध से घी कैसे बनाया जाता। इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस देश में हुआ है कि घर का छोटे से छोटा बच्चा बता देगा कि दूध से घी कैसे बनता। दूध को गर्म कर लो, फिर उसमें दही का जामन लगा दो, वो दही बन जाएगा, दही से ताक बना लो, ताक बनेगी तो उसमें से मक्खन निकल आएगा, उस मक्खन को गर्म कर लो, घी बन जाए। सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी सब जानते हैं, लेकिन अमरीका में कोई नहीं जानता, यूरोप में कोई भी नहीं जानता,
बिल गेट्स भी नहीं जानता माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, उसकी बीवी भी नहीं जानती। तो हमने कभी माना ही नहीं कि यह कोई टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। अभी कुछ अमेरिकन कंपनियां घुस गई हिंदुस्तान के बाजार में और उन्होंने मक्खन बेचना शुरू कर दिया और कुछ नकल करके घी बेचना भी शुरू कर दिया है, तो हमने मान लिया है कि वो टेक्नोलॉजी आ रही है वहां से। तो हमारी ये जो मानसिक दरिद्रता है कि हमको हमारी टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं देती और वहां से कुछ भी अंडबंड शंड आ जाए, बेवकूफी की चीजें आ जाए, हम शुरू कर देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है। उदाहरण के लिए फास्ट फूड, अभी फास्ट फूड में मैगी आ जाए, वो सड़े हुए मैदे से जो बनती है तो वो टेक्नोलॉजी है। हर एक के घर में जो सेवइयां बनती हैं वो क्या है, और इतनी ही जल्दी तैयार होती है सेवई जितनी जल्दी मैगी तैयार होती है। हजारों साल से बनती आई है इस देश में, तो वो हम मानते ही नहीं कि वो कोई टेक्नोलॉजी है। उदाहरण के लिए पिज्जा या हैमबर्गर या हॉट डॉग या कोल्ड डॉग, नाम भी सुनिए, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, पिज्जा, हैमबर्गर, क्या मतलब है इनका कोई नहीं जानता। तो वो बेचारे ले आए यहां से, मैकडोनल्ड आ गया, भारत सरकार ने दरवाजा खोल के बुला लिया, महाराष्ट्र में उसका काम चालू करा दिया बंबई में। तर्क ये है कि साहब वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो क्या बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे, हैमबर्गर बनाए। क्या है पिज्जा हैमबर्गर, कुछ नहीं है, वो गांव गांव गली गली बंद बिकता है ना, डबल रोटी से थोड़ा फर्क बंद बिकता है, वही पिज्जा है, वही बर्गर है, वही वो है, वही सब है, हॉट डॉग है, वही कोल्ड डॉग है। बीच बीच में उसमें चीजें बदलती जाती हैं, कहीं पे सलाद वाली चीज भर दीजिए, कहीं पे थोड़ा मांस वाली चीज भर दीजिए, कहीं पे कुछ भर दीजिए, है तो वही चीज। तो हिंदुस्तान के गांव गांव गली गली में बनता है, वो मंजूर नहीं है महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन वो मैकडोनल्ड को बुला लाए हैं और कह रहे हैं कि अभी देखिए टेक्नोलॉजी बेचेगा, ये पिज्जा ले आया हैमबर्गर। और एक तो ऐसे भी व्यक्ति मुझे मिले इतने मानसिक दरिद्र, कहने लगे राजीव भाई आप देखिए, अगर आप मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी थी तो हिंदुस्तान की कोई कंपनी ने बना के क्यों नहीं आज तक खड़ा किया इतना बड़ा नेटवर्क। मैंने कहा कोई पागल थोड़ी है आपकी तरह से। कहने लगा क्यों, मैंने कहा जब रोज घर में सवेरे शाम ताजी रोटी मिलती हो खाने की, गरम गरम गोल गोल फूली हुई, तो क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं खाऊं वो 10 दिन पुराना। क्योंकि यूरोप में मैंने किसी घर में नहीं देखा, मैंने किसी घर में नहीं देखा यूरोप में कि कोई पत्नी अपने पति के लिए गरम गरम रोटी बना के खिलाए, कोई मां अपने बेटे के लिए गरम गरम रोटी बना के खिलाए। और जितने दिन मैं रहा तो तरस गया कि ये गरम गरम रोटी भी बनाना खिलाना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको रोटी बनाना नहीं आता। कंटेंट वही है, आटा है ना गेहूं का, आटा हमारे पास भी है, वो उसी आटे को सड़ाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, ये करते हैं, हम भी उसी आटे को पानी से गूंथते हैं, सड़ाते नहीं है, उससे गोल गोल रोटी बना लेते हैं। माने क्या है, हमारा दिमाग ज्यादा फंक्शनल है। रॉ मटेरियल तो एक ही है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना, तो उनको आप रॉ मटेरियल दे दीजिए गेहूं का आटा, तो वो उससे सड़ाएंगे, फिर उस मैदा बनाएंगे, मिलाएंगे, डबल रोटी बनाएंगे, खाएंगे, ठूसेंगे मुंह में। और हमारे पास तो कुछ ज्यादा अद्भुत चीज है, गरम गरम खाएंगे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होगी, और गरम रोटी का जो स्वाद होता है वो तो, और रोटियां भी कितनी अद्भुत। गुजरात में चले जाइए तो भाखरी खा लीजिए, महाराष्ट्र में चले आइए तो वो क्या बनती है, एक विशेष पूरन पूड़ी, यहां खा लीजिए आप। मेरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो हाथ से बनी हुई खा लीजिए, और पंजाब की तरफ चले जाइए तो गोभी मिला के तुमको बना के खिला देंगे। तो रोटियां भी इतनी अद्भुत तरह की, तो ये क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है? और इतने बड़े पैमाने पर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है कि जीवन के काम के साथ समरस हो गया है। तो हम इतने मानसिक दरिद्र आज भी क्यों हैं कि अपनी समरसता को देख नहीं पा रहे और बुला के ला रहे हैं उन कंपनियों को जिनकी हमें कोई शायद जरूरत भी नहीं। ये जो दरिद्रता के लक्षण इस देश में नेताओं के हों या अर्थशास्त्रियों के हों या योजनाकारों के हों, वो सब इस देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले की पूरी प्रकृति, उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है अपना दरवाजा खोलने से पहले। और आज यह विषय चूंकि उठ गया कि बिल क्लिंटन आएंगे और हमारे यहां के वैज्ञानिकों को वापस भेजा जा रहा है, तो शायद मैं इसमें चला गया। और इसी से थोड़ा नीचे और चलिए कि अपने मन से कुछ मानसिक दरिद्रताएं जितनी जल्दी से निकाल सके निकाल दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने कुछ गलत परिभाषाएं तय की हुई हैं इस देश में, जैसे किसी के घर में जाइए
तो रेफ्रिजरेटर है क्या नहीं, उससे उसकी आप तय करते हैं कि ये भाई कितना ऊंचा है कितना नीचा है। उसके घर में कलर टीवी है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, आप उससे तय करते हैं कि ये ऊंचा है कि ये नीचा है। अभी आप एक बार जरूर इस बात को गंभीरता से सोचिए कि घर में हमारे रेफ्रिजरेटर अगर नहीं भी है तो हम ऊंचे नीचे कैसे हो गए। यूरोप के देशों में रेफ्रिजरेटर है, वो हमारे देश में भी आ गया तो हमने क्यों मान लिया कि हम ज्यादा ऊंचे हो गए। यूरोप के देशों में तो रेफ्रिजरेटर इसलिए आया कि उनको जरूरत थी उसकी, और जरूरत इसलिए थी उनको शायद उसकी कि आप जानते हैं ज्यादा यूरोप के देश तो ठंडे बहुत हैं और सूखा मौसम है, ज्यादा समय तो सूखा मौसम रहता है, और बहुत ज्यादा सर्दी अगर पड़े तो भी खाना खराब होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो भी खाना खराब होता है। हमारे यहां टेम्परेचर काफी बैलेंस रहता है, 30 के ऊपर बहुत मुश्किल से कभी कभी जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वहां टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो खाना बहुत जल्दी खराब होगा। 30 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो खाना जल्दी खराब होगा। तो उनकी तो प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा समय ऐसे टेम्परेचर वेरिएट करता, इसलिए कोई ऐसी मशीन चाहिए, तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर ईजाद किया। एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है फ्रांस में, तो मैं अक्सर देखता था, ताजी सब्जी रोज नहीं मिलती। आप चाहे जितने करोड़पति होइए वहां पर, वो तो अभी कुछ दिनों से साउथ अफ्रीका के देशों का शोषण ज्यादा करना शुरू किया तो उनको मिल जाती है, अदरवाइज तो कुछ साल पहले तक बहुत आसानी से ताजी सब्जी नहीं मिलती थी। सप्ताह में एक बार मिलेगी या दो बार मिलेगी या तीन बार मिलेगी, तो लोग इंतजार करेंगे कि सप्ताह में कब वो दिन आए तो ताजी सब्जी खरीदें। तो जिस दिन आया उस दिन इकट्ठी खरीद के ले गए और उसको भर के रख दिया, तो हफ्ता भर काम चलाना है। दूसरा, ऐसी संस्कृति नहीं है वहां पर कि आप ताजा खाना बनाएं और खाएं। शायद ही यूरोप में कोई ऐसा घर होगा जो प्रॉपर लंच करता हो, ठीक तरीके से लंच करता हो, ऐसा घर शायद ही एक मिलेगा कोई आपको, या दो मिल जाएंगे। और ठीक तरीके से डिनर करता हो, ऐसे घर भी आपको मुश्किल से 15-20% ही मिलेंगे। चलते चलते खाना, दुकान में खड़े होके खा लेना, कहीं और खड़े होके खा लेना, जहां कुछ मिल जाए वही खा लेना, हमेशा खाते ही रहना खाते ही रहना, इस तरह की प्रकृति के लोग ज्यादा हैं। तो वहां तो परेशानी कुछ है, और ये परेशानी कुछ गहरी परेशानी है, क्योंकि प्रकृति ने उनके ऊपर मेहरबानी नहीं की है, सूखा बना दिया है पूरा का पूरा मौसम, और बहुत सालों तक तो खेती नहीं हुई है पूरे यूरोप में। आपका अंदाजा नहीं है, 1690 के पहले यूरोप के किसी भी देश में खेती नहीं होती थी। खेती होने का काम 1690 के बाद शुरू हुआ, और वो भी तब जब हिंदुस्तान से हल गया है इंग्लैंड, तब खेती हुई है वहां। हल बनाना भी नहीं आता था उनको, हल यहां से गया, यहां से हल देखकर उन्होंने हल बनाना शुरू किया, फिर खेत जोतना शुरू किया। तो खेती तो बहुत बाद के विकास की कहानी है, और उद्योग तो अभी 250-300 साल पुराने हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले कौन से उद्योग के बारे में आप जानते हैं इंग्लैंड के या यूरोप के? तो ये तो सब बहुत ताजा ताजा है, प्रकृति ने उनको बहुत मुश्किलों का मौसम दे दिया है। ऐसा अद्भुत मौसम है कि साल में 6 महीने सूरज ही नहीं निकलेगा, और साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा तो खेती कैसे होगी? फिर खेती के लिए तो गर्मी भी चाहिए सूरज भी चाहिए। ऐसा भी मौसम है कि साल में 6 महीने बर्फ ही बर्फ जमी रहे। ऐसा भी मौसम है कि बारिश कभी भी हो जाए। वहां ये थोड़ी है कि जुलाई से अगस्त के बीच में ही बारिश होगी, कभी भी हो सकती है, जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में भी हो सकती है, और अचानक से मूसलाधार भी हो सकती है, और रिमझिम रिमझिम पानी 10 दिन भी बरस सकता है, 20 दिन भी बरस सकता है। तो मौसम की इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अनिश्चितता है, और प्रकृति ने इतना दुर्गम बनाया है वहां जिंदा रहने का रास्ता, उन दुर्गमताओं से उन अनिश्चितताओं से बाहर आने के लिए उनको बहुत सारी चीजें खोजनी पड़ी, उसमें से एक निकला रेफ्रिजरेटर। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको संकट दिखाई देने लगा। उसका संकट यह दिखाई देने लगा कि रेफ्रिजरेशन के बाद चीजों के न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने लगे, फिर उसके बाद सीएफसी का प्रॉब्लम आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रॉब्लम आ गया, फिर पर्यावरण प्रदूषण का संकट खड़ा हुआ। तो उनको लगा कि अभी तो भाई इसको निकाल के फेंको। और अमेरिकन लोगों में, खासकर यूरोपियन लोगों में, एक बड़ी बुरी आदत पड़ गई है फ्रिज आने के बाद, हमेशा ठंडा पानी पीना, पानी में भी बर्फ डाल डाल के पीना, क्यूब्स, आइस क्यूब्स डाल डाल के पीना। और आप जानते हैं जितना ज्यादा ठंडा पानी पियेंगे कॉन्स्टिपेशन उतना ही ज्यादा होगा। यूरोप का हर व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का मरीज, सामान्य रूप से आप सर्वे करा लीजिए। अमेरिका में उससे भी जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन। मैं तो अद्भुत आश्चर्य करता था यूरोप में, मेरे जिन दोस्तों को देखता था, दो दो तीन तीन चार चार दिन टॉयलेट नहीं जाते, इतना कॉन्स्टिपेशन।
एक बार तो मैंने एक ऐसे भी डॉक्टर से मुलाकात की पेरिस में जो कॉन्स्टिपेशन का एक्सपर्ट, तो मैं गया कि जरा देखूं क्या दवा देता है वो, कि देता हूं कि फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो और फ्रिज में रखी हुई चीज खाना बंद कर दो, फिर दूसरा संदेश ये देता हूं कि पानी को गर्म करके पीना शुरू कर दो। मैंने कहा फिर क्या होता है कि 15 दिन के बाद आके कहता है कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। मैंने कहा फीस कितनी लेते हैं, तो डॉलर में हिसाब मैंने लगाया, स्विस फ्रांक की एक अलग करेंसी है लेकिन डॉलर के हिसाब से $250 लेता, सिर्फ ये बताने के लिए कि गर्म पानी पियो और फ्रिज में रखी हुई चीज मत खाओ। तो मैंने कहा आप क्या डॉक्टर हैं, ये बात तो हिंदुस्तान की हर दादी मां जानती है, हर नानी मां जानती है, हमारे घर में तो घर घर में डॉक्टर है। तो उनकी तकलीफ हुई तो उन्होंने फ्रिज इस्तेमाल किया, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किया, फिर तकलीफ बढ़ी तो फ्रिज को छोड़ना भी शुरू किया, रेफ्रिजरेटर को छोड़ना भी शुरू किया। अब जब छोड़ना शुरू किया तो संकट हुआ कि इसको कहां ले जाएं, तो किसी बेवकूफ ने बता दिया कि भारत में ले जाओ, क्योंकि मानसिक दरिद्रता के लोग यहीं बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आ गया वो यहां पे फ्रिज। अभी जब शुरू शुरू में फ्रिज आया था तो उसका किस्सा ये था कि सरकार ने ये कहा था कि ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में रखा जाएगा, फर्क उसका यह था कि दवाएं कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर पे खराब हो जाती हैं और आंखों से संबंधित कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से धूप बढ़ने पर, गर्मी बढ़ने पर खराब हो जाते हैं, तो इनको रखने का काम फ्रिज करेगा। तो बात वहां तक तो ठीक थी। उसके बाद दुष्चक्र यह हुआ कि जो कंपनी लेके आई उसको लगा कि भारत में तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया। एडवर्टीजमेंट क्या आया कि रेफ्रिजरेटर बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिनके घर में नहीं वो घर बहुत नीचा। जैसे आजकल आता है कि VPL की वॉशिंग मशीन जिनके पास नहीं वो सबसे फिसड गई, बाकी सब बहुत ऊंचे। तो रात दिन धनाधन धनाधन, उस समय टेलीविजन तो नहीं था लेकिन अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, मैगजीन्स में, जगह जगह चर्चाओं में इस तरह की बातें शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी कंपनियों के एजेंट खड़े किए गए जो फ्रिज में रखी रखाई आइसक्रीम को खिलाने लगे, भाई खा के देखो, देखो कितनी अच्छी बनती है, तो मुफ्त में खिला रहे हैं तो चलो खा लो, क्योंकि हमारी तो एक और प्रॉब्लम है ना, मुफ्त में कोई जहर भी दे दे तो खा ले, तो खा लो भाई इसको, तो खाना चालू कर दिया। होते होते उसके बारे में मन में कुछ प्रतिष्ठा बनने लगी और एक दिन तय हो गया कि भाई हिंदुस्तान के किसी अमीर आदमी ने फ्रिज खरीद लिया, तो फिर देखा देखी अरे पड़ोसी के घर में, तो मेरे घर में क्यों नहीं। हिंदुस्तान में एक और बड़ा संकट है कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे। पूरा देश इसी में बर्बाद हुआ कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे, फंस गए चक्कर में कि अभी उनके घर में तो मेरे घर में क्यों नहीं। और उसके तरीके क्या हैं, उसके तरीके ये हैं कि एक दो बार उसमें से जमी हुई बर्फ ले आए तो फिर कह रहे बार बार जाने में शर्म आती है, क्यों नहीं अपने घर में ले लेते। मैं मेरे घर का किस्सा सुना रहा हूं आपको, ये किसी और के घर, मेरी मां कह रही है मेरे पिताजी से रोज पड़ोसी के घर में जाना पड़ता है बर्फ लेने के लिए, आप क्यों नहीं ले लेते इसको। और हमारे पिताजी तर्क दे रहे हैं कि उसकी जरूरत क्या है, कि अरे बहुत जरूरत है, देखो ठंडा पानी मिलता है, ये है वो है। अब उसमें ठंडा पानी बाकी सब बातें माइनस है, जो मैंने मार्क किया मेरी मां को वो ये कि पड़ोसी के घर में है, हमारे घर में। और आप तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, वो तो आपके ऑफिस में क्लर्क जैसा है, और आप नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। तो आ गया सत्यानाशी हमारे लिए। अब जब आ गया तो हमको ये नहीं मालूम कि उसको हैंडल कैसे करें। जो मशीन किसी एक दूसरे ओरिजिन से आई, आपकी जरूरत नहीं थी लेकिन जबरदस्ती आपने अपनी जरूरत बनाई, तो उसको हैंडल करना भी एक प्रॉब्लम है, तो हैंडल कैसे किया जाए। तो वो आके रख गई, तो फिर परेशानी हमारे घर में ये शुरू हुई कि भाई ये खाली फ्रिज कैसे रहे। हाँ कोई पड़ोसी आ गया खोल के देख लिया तो क्या हो, बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझको भेजा जाता था कि जा सब्जी लेके आ, तो पहले मेरा काम यह था कि रोज सवेरे उतनी ही सब्जी लाना जितनी दोपहर में बनेगी और शाम को दोबारा लेके आ। फिर मुझको आदेश दिया गया कि 5 दिन की सब्जी ले आ, 7 दिन की सब्जी ले आ, क्योंकि भर के रखनी है ना, अभी कोई आएगा तो खाली कैसे देखे। तो सब्जी लाना और भरना चालू कर दिया। फिर कुछ हिस्सा ऐसा भी था, अरे इसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी रखनी चाहिए अब तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरी मां को लगा कि अरे अभी तो एक हिस्सा खाली रहता है तो क्या करना है, तो पहले आटा ज्यादा गूंदना है, फिर बचाना है, फिर उसमें रखना।
हाँ, पहले आटा उतना ही गूंदा जाता था जितना खाने के लिए जरूरी था, फिर जबरदस्ती ज्यादा गूंदा जाने लगा और बचा के रखा जाने लगा। एक दिन मैंने प्रश्न पूछा कि इसकी जरूरत? उन्होंने कहा बार बार गूंदने में तकलीफ होती है, तू करके देख। तो मैं भाई चुप हो गया, मैंने कहा मुझे तो आता नहीं, अभी माँ ने कह दिया कि तू करके देख, तो मामला तो उल्टा हो गया। तो मैं तो चुपचाप देखता रहा लेकिन ऑब्जर्व करता रहा कि ये हो क्या रहा है हमारे घर। फिर ऐसा भी होने लगा कि हमारे घर में कोई अतिथि आया तो मैं माटले से पानी, अरे माटले से पानी ले जा। तो मैंने कहा माटले का पानी ठंडा तो? कि नहीं नहीं अभी फ्रिज में से निकाल के ले। तो मैंने फ्रिज में से बोतल निकाली, गिलास में डाली। अरे बेवकूफ, बोतल को गिलास में क्यों लेना, बोतल लेके जा सीधे। क्यों भाई? ताकि पता चले कि हमारे घर में फ्रिज है। अगर बोतल का पानी हम गिलास में निकाल लेंगे तो पता नहीं वो माटले का है कि फ्रिज का है, अतिथि के मन में द्वंद्व तो पैदा हो ही जाएगा। तो पक्की व्यवस्था बने इसलिए बोतल साथ में गिलास लेके जा और रख दे वहां पे, उसको निकाल के पीना होगा तो पिएगा। तो अतिथि को भी, अच्छा आपके घर फ्रिज आ गया? कि हाँ आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, कल से हम हमारा दही आपके घर में रख जाएंगे। तो अब उनका दही आने लगा हमारे घर में। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि हमारी एक पड़ोसन थी, वो चली आई, आइसक्रीम बनानी है, आपके घर में तो फ्रिज है ना? कि हाँ हाँ है। तो हम जरा आइसक्रीम बनाएंगे। तो अच्छा ठीक है भाई, आइसक्रीम आप बनाइए। तो फिर पता चला कि हमारा पड़ोसी धर्म बहुत बढ़ गया कि रोज कोई आइसक्रीम बनाने आ रहा है, कोई दही रखने आ रहा है, तो कोई कुछ करने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है। और फिर कभी कभी खराब हो गया वो, तो हमको तो आता नहीं कि ठीक कैसे करें, क्योंकि अपन की बनाई हुई टेक्नोलॉजी हो तो ठोंक पीट के कुछ ठीक कर ले, अभी दूसरे की बनाई हुई है तो उसमें हमें तो कुछ लगता नहीं। तो वो खराब हो गया, खराब हो गया, तो रखा हुआ है सफेद हाथी की तरह से। तो पड़ोसी आ रहे हैं और ताना मार रहे हैं, अरे अभी तक ठीक नहीं करा है आपने, तुम्हारी माताजी पिताजी का कान खा रहे हैं, अरे आपको कुछ ध्यान भी है घर का, ये फ्रिज इतने दिन से खराब पड़ा। तो वो कहे अच्छा ठीक हो जाएगा, अरे नहीं नहीं आज ही ठीक होना चाहिए, वो पड़ोसन आई थी और उसको आइसक्रीम बनानी थी, अभी पड़ोसन की आइसक्रीम की चिंता। अब मैंने ये देखा कि पहले हम हमारे घर को चलाते थे, फिर फ्रिज ने हमारे घर को चलाना शुरू कर दिया। अभी हर काम फ्रिज के हिसाब से हो रहा, सब्जी फ्रिज के हिसाब से आ रही, ये फ्रिज के हिसाब से हो रहा, वो फ्रिज के हिसाब से हो रहा। और फिर यहां तक तय होने लगा कि अरे अभी तो सवेरे का खाना है तो चलो ठीक है फ्रिज में रख दो, शाम को खा लेंगे। अभी सवेरे की सब्जी भी ज्यादा बचने लगी, दाल भी ज्यादा बचने लगी, वो सब फ्रिज में रखी जाने लगी, फिर उसको गर्म किया जाने लगा, फिर उसी को खाया जाने लगा। तो मैंने तो देखा मेरा घर तो पूरा बदल गया, इस एक छोटी सी दुर्घटना ने मेरे घर का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। मुझे मेरे बचपन का याद है कि मां के पास बैठ के गरम गरम खाना खाने को मिलता था, अभी तो वो होश नहीं है, अभी तो दो दिन का भी ठंडा मिल सकता है, तीन दिन का भी मिल सकता है, रखा हुआ है क्योंकि वो तो खत्म करना ही है आपको। ये हमारे यहां संकट है और ये संकट पैदा होता है मानसिक दरिद्रता से। शायद ये मेरे घर की कहानी नहीं है, आप सबके घर की यही कहानी हो सकती है। तो हम चल कैसे रहे हैं और हम जा कहां रहे हैं? एक मिनट को जरा रोक लेकर सोचिए तो सही। बाहर बनी हुई कोई भी टेक्नोलॉजी, बाहर बनी हुई कोई भी मशीन हमेशा हमारे जरूरत की होगी, ये बिल्कुल सच नहीं। और अगर यही उदाहरण देखना हो तो वॉशिंग मशीन का भी आप देख सकते। मुझे बराबर याद है कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन आने के पहले कपड़े मुश्किल से चार या पांच होते थे धुलने के लिए, और हम सब अपने अपने कपड़े धो लेते थे बचपन में। मैंने मेरा धो लिया, मेरे भाई ने मेरा धो लिया, फिर मेरी मां ने अपना धो लिया, मेरे पिताजी ने अपना धो लिया, या नहीं धोया तो कभी मैंने धो दिया, इस तरह का चलता था। अभी वॉशिंग मशीन आई तो ढेर का ढेर, 10, 15, 20, 25 इकट्ठे धोए जा रहे। क्या मतलब है? पानी की बर्बादी कर रहे। मैंने देखा है कि कल धुला था बेडशीट, आज फिर पड़ा हुआ है वहां पे, क्योंकि वॉशिंग मशीन क्या मुश्किल लगता, कल धोया आज भी धो लो, परसों भी धो लो, फिर रोज धो लो। पहले हाथ से रगड़ के धोना पड़ता था, तकलीफ होती थी तो सप्ताह में एक बार धुलता था। अभी तो वॉशिंग मशीन है इसलिए तकलीफ कुछ नहीं होने वाली है, पानी डालना ये करना वो करना, डाल दो हो गया, बात खत्म हो गई। फिर एक नया संकट हमारे घर में, संकट ये कि अभी फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि कोई दाग पड़ गया है तो वो छूटता नहीं है, तो वॉशिंग मशीन में दो फिर दूसरी मेहनत करो, उस पर छूट ही नहीं रहा, लगातार मेहनत में लगे हुए, तो दोगुना हमने देखा परिश्रम होने लगा। फिर अभी तो आप जाइए कहीं, आप तलाशिए काम करने वाली बाई चाहिए तो पूछती है वॉशिंग मशीन है घर में,
रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, सर्फ मिलेगा आपके घर में, ये मिलेगा, तब तो काम करने के लिए तैयार है, नहीं तो जयराम जी की। पहले हम धोते थे, मेहनत करते थे, थोड़ी एक्सरसाइज होती थी, बार 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 जब हाथ लड़कते हैं तो ये एल्बो की एक्सरसाइज होती है। अभी मान लीजिए मुझे यहां गठिया हो जाए, रूमेटिक अर्थराइटिस हो जाए, तो डॉक्टर कहेगा भाई इसको बार बार चलाओ, अब मैं तो चला ही रहा हूं उसको कपड़ा धोने के लिए, तो आपने वो मेरा चलाना बंद करके वॉशिंग मशीन खड़ी करवा दी, अब मुझे रूमेटिज्म होना है, तो फिर डॉक्टर कहेगा चलाओ इसको, चलाओ इसको, चलाओ इसको। बचपन में स्कूल चला जाता था पैदल पैदल, शरीर भी अच्छा रहता था, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। अभी नाइन्थ में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के पास बाइक दिखाई देती है, या तो मोटरसाइकिल है या तो स्कूटर है, तो बाइक से चल रहे हैं और 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। जब हार्ट अटैक आ जाएगा तो डॉक्टर साहब की पहली ही एडवाइस कि अभी पैदल चलिए, तो पहले ही पैदल चलते रहते तो हार्ट अटैक क्यों आता आपको? तो ये संकट है, ये संकट हमारी सभ्यता के हो गए हैं, अब सिर्फ परिवार तक अब सीमित नहीं रहे हैं, ये संकट पूरी सभ्यता के संकट हो गए हैं और भारतीय सभ्यता इस समय मानसिक दरिद्रता में फंस गई है। और वो मानसिक दरिद्रता एक वाक्य में मैंने आपको कह दिया, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, हर जगह यही लागू होता है, वो चाहे भारत अमेरिका की तुलना हो, भारत फ्रांस की तुलना हो, भारत ब्रिटेन की तुलना हो, आपके अपने पड़ोसी के बीच की तुलना हो, या पड़ोसी से आगे किसी की तुलना हो, मुश्किल हमारी ये हो गई है और ये संकट बहुत गहरा है। और मेरी मान्यता ये है कि हमको पूरे देश को इस संकट में से बाहर निकालना है। तो आप पूछेंगे क्या रास्ता है? स्वदेशीकरण करना है इस देश का। कल तक आपने मेरे व्याख्यानों में सुना होगा या परसों तक आपने मेरे व्याख्यानों में सुना होगा कि राजीव भाई कहते हैं कि ये मत खरीदो वो खरीदो, ये मत खरीदो वो मत खरीदो, ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, पूरे समाज का स्वदेशीकरण करना है। ये समाज कई स्तर पर विदेशी है। मेरे मन में दो बातें हैं जिसको लेकर मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी भ्रम नहीं है। पहली बात, मैं ये मानता हूं कि या तो हम तय करें पूरे समाज के स्तर पर और पूरी शक्ति से अपने आप को यूरोप बना लें, जैसे पंडित नेहरू कहा करते थे। पंडित नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है और पार्लियामेंट में इसको कई बार कहा है, उनसे जब जब पूछा गया कि भारत को लेकर आपके मन का सपना क्या है, हमेशा कहते थे कि भारत को यूरोप बनाना, भारत को भारत बनाने की बात कभी नहीं की, भारत को यूरोप बनाना। तो मान लीजिए पंडित नेहरू का ये जो सपना है वो हम सब अपना सपना बना लें और पूरी ताकत के साथ इस भारत को यूरोप बना दें। आप थोड़ी देर जरा कल्पना करिए कि अगर भारत को आप यूरोप बनाना चाहें तो आप बना पाएंगे क्या? ये इतना असंभव काम है जैसे आप एवरेस्ट को खोदने की कोशिश करें, बहुत ही असंभव काम। भारत को यूरोप तो आप नहीं ही बना पाएंगे, हां भारत को अधकचरा जरूर बना देंगे, आधा यूरोप आधा भारत, या आधा अमेरिका आधा भारत, हम सब उसी में से निकले हुए हैं। ये जो हमारा देश का मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये आधा यूरोप है आधा भारत है, आधा यूरोप और आधा भारत ये खिचड़ी बन गया है। ना तो सभ्यता और परंपरा में यूरोपियन हो पा रहा है और ना सभ्यता और परंपरा में भारतीय हो पा रहा है। जैसे आप इसके उदाहरण समझने की कोशिश करें, आधे यूरोप और आधे अमरीकी हम कैसे? आपने सुने हैं इस देश में नाम होते हैं पिंपल, डिंपल, पिंकी, टिंकू। हां जरा बताइए क्या मतलब है टिंकू का? कोई बताए कि इसका मतलब ये है? ये आधा यूरोप आधा भारत होने की निशानी। और आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप आधे भारत और आधे यूरोपीय कैसे हैं? जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में बचपन से हर एक मां बाप का, खासकर अपर मिडिल क्लास के मां बाप का मेजोरिटी में एक सपना है कि उनका बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े। तो कॉन्वेंट में और अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने तो इस देश में ऐसे मां बाप देखे हैं जिनके बच्चे अभी पैदा होने वाले हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कॉन्वेंट में पहुंचाना है अपने बच्चे को, अंग्रेजी में पहुंचाना। मेरा अपना एक दोस्त है, उसके आधे यूरोप और आधा अमरीकी होने का निशानी आपको बता रहा हूं। अहमदाबाद में रहता, 3.5 साल का उसका एक बेटा, उसको कॉन्वेंट में भर्ती करा दिया उसने इस साल से। अभी मैं गया अहमदाबाद तो मुझे पता चला कि उसका बेटा कॉन्वेंट में जाने लगा। तो मैं देखता हूं कि सवेरे सवेरे पति पत्नी दोनों उठते हैं
और मार पीट के उसको उठाते, 3.5 साल का बच्चा, क्योंकि बस आएगी 6 बजे, तो 6 बजे अगर बस आएगी तो बच्चे को 5 बजे तो उठाना ही पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि बच्चे को सबसे गहरी नींद आती है 3 बजे से लेकर 5, 5:30 बजे के बीच में, ये सबसे गहरी नींद का समय है, उसी समय मार पीट के दोनों उसको उठाते। अब बेचारा रोते रोते उठता है, फिर ठूस ठूस के उसको डबल रोटी खिलाते, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर कसाई की तरह से काम शुरू होता है, जबरदस्ती नहला रहे हैं, जबरदस्ती साबुन लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर क्रीम पाउडर लगाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसकी टाई बांधी जा रही है। अब बेचारा कह रहा है कि गला कस रहा, नहीं नहीं लेकिन टाई लगानी है तुमको। फिर जाते जाते 5 किलो का बस्ता ला दिया उसके, अभी 3.5 साल का बच्चा, 5 किलो का बस्ता। मैंने एक दिन कहा कि भाई तू ये क्या सत्यानाश कर रहा है? कहने लगा राजीव भाई स्मार्ट बना रहा हूं अपने बच्चे। मैंने कहा स्मार्ट बना रहा है कि पेशेंट बना रहा है? कहने लगा क्यों? मैंने कहा स्लिप डिस्क हो जाएगा इसको अभी से, 3.5 साल के बच्चे पे 5 किलो का बस्ता रखोगे तो क्या होगा? स्लिप डिस्क नहीं होगा तो क्या होगा? और बचपन से ही मरीज होके बड़ा होगा ये, लेकिन वो सुनता नहीं है किसी की। और जब सब लाद लूद के बस आ गई, पों पों हॉर्न बजाया, दोनों मम्मी पापा ने उसको घर से बाहर ठेला, अभी वो रो रहा है नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं तुमको जाना, और जबरदस्ती दोनों गए और बस में फेंक आए। उसके बाद बड़े रिलीफ कि देखो चलो दोपहर तक की फुर्सत तो हो गई। अभी दोपहर में लौट के आया तो मैडम ने कुछ करवा दिया। अभी दोनों पति पत्नी हिंदी माध्यम से पढ़े, अब बेटा कॉन्वेंट में है, क्या करें उसका? तो आ गया बेटा और कहने लगा देखो मैडम ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो अब पढ़ाएं कैसे उसको? तो ट्यूटर चाहिए, क्योंकि मैडम ने होमवर्क दिया है, तो होमवर्क लेके आ गया घर में। अभी वो तो समझते नहीं है, तो एक नया ट्यूटर रख लिया, स्कूल का होमवर्क कराने के लिए ट्यूटर रख लिया। अभी ट्यूटर ऐसा सत्यानाशी कि वो अपना होमवर्क देके चला गया। बेचारा आया मुश्किल से हांफता हांफता, कुछ होमवर्क नहीं हुआ, तो अभी ट्यूटर आ गया, ट्यूटर उसको होमवर्क करा के तो गया लेकिन अपना और देके चला गया। अभी वो फिर कान खा रहा है उसका कि अभी बताओ सर जी कल आने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले। उसकी जिंदगी नरक हो गई। एक दिन मैं जब गया मैंने कहा भाई तू ये क्या अत्याचार कर रहा? कहने लगा स्मार्ट बना रहा हूं। मैंने कि स्मार्टनेस की निशानी क्या है? तो क्या कहा उसने सबसे पहले कि देख राजीव अभी कितना अच्छा लगता है ये। मैंने कहा क्यों? पहले नहीं लगता था, अभी देखो टाई लगाता है। तो टाई लगाना माने स्मार्टनेस की निशानी। तो मैंने उससे पूछा कि तुझको मालूम है टाई क्यों लगाते? कि देख वहां अमरीका में लगाते हैं कि नहीं लगाते, यूरोप में? हाँ हाँ। मैंने कहा मैं यही पूछ रहा हूं कि अमरीका में टाई क्यों लगाते हैं, यूरोप में टाई क्यों लगाते हैं, जरूरत क्या है उनको टाई लगाने की? तो वो नहीं मालूम उसको, लेकिन अपने बच्चे को जबरदस्ती टाई लगवानी है उसको। मैंने उसको बताया कि देख वहां टाई इसलिए लगाते हैं कि वहां ठंडी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है, साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलता है, और जब साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलता है तो उनको सर्दी ज्यादा लगती है, और ज्यादा सर्दी जिन देशों में पड़ती है वहां सर्दी जुकाम बहुत होता है, और सर्दी जुकाम होता है तो नाक चलती रहती है। तो उन बिचारों का संकट क्या है कि बार बार जेब से रूमाल निकालना, पोंछना, फिर रखना, निकालना, पोंछना, फिर रखना। अब भारतीय सभ्यता और यूरोप की सभ्यता में फर्क समझ लीजिए। हमारी अगर नाक चल रही है तो हम उसको निकाल के फेंकेंगे, वो क्या करेंगे पोंछ के जेब में रखेंगे। अब बार बार निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, तो फिर उनको लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो क्यों नहीं एक गले में लटका लिया जाए कोई कपड़ा। तो उन्होंने लटका लिया, क्या करना है ये काम तो आएगा कम से कम। तो मैंने कहा देख टाई का मतलब है TIE, गले में लटकाया हुआ एक कपड़ा, तुझको क्या जरूरत है उसकी, तेरे बच्चों को क्या जरूरत है उसकी? कहने लगा हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा इसको निकलवा, तो अब क्या बताएं, कॉन्वेंट स्कूल का नियम है तो टाई लगा के जाना ही पड़ेगा। अभी आप देखिए कि जबरदस्ती भारत में रहते हुए आपको यूरोपियन बनाया जाएगा, आप न तो यूरोपियन बन पाएंगे न भारतीय रह पाएंगे। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो एक दिन ऐसा भी तमाशा देखने को मिलेगा जैसा मैंने देखा। इस बार जून के महीने में मेरे एक दोस्त की शादी हुई, तो उसका कार्ड आया कि चल भाई बारात में। मैंने कहा भाई मुझे मत ले जा, बेवकूफ आदमी हूं, वैसे भी खादी का कुर्ता पजामा पहनता हूं, तू स्मार्ट आदमी है, टाई वाई लगाता है, उल्टा सीधा हो जाएगा। नहीं नहीं तू नहीं चलेगा तो कैसे होगा। तो चला गया मैं उसकी बारात। तो मैंने देखा 24 जून का दिन
1998 में टेम्परेचर था 51 डिग्री सेंटीग्रेड और वो बेवकूफ थ्री पीस सूट और टाई लगा के करते शादी करने जा रहा। और क्या किया उसने, थ्री पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठ गया। मैंने कहा तुझको मालूम है ये घोड़े पे चढ़ा नहीं जाता टाई और थ्री पीस सूट लगा के, ठीक है हमें तो चढ़ना है घोड़े। अभी चढ़ के बैठ गया। मैंने कहा देख भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू आधा स्वदेशी आधा विदेशी। कहने लगा देख राजीव आज कुछ मत कह। तो मैंने कहा आज ही के दिन सबसे बड़ी इडियोसिटी करने की क्या जरूरत है, शादी वाले दिन तो इंटेलिजेंस ही दिखा भाई। 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में तू थ्री पीस सूट और टाई लगा के जा रहा है, अच्छा खासा कॉटन का कुर्ता पजामा पहन ले, थोड़ा ढीला ढीला पहन दे, बाहर से हवा अंदर जाएगी कुछ उसको रिलीफ मिलेगा। नहीं नहीं एकदम टाइट हो गया। और फिर धीरे से क्या बोला कि यार शर्म ये आती है कि अगर मैं मान लो तेरी तरह कुर्ता पजामा पहन के गया तो हो सकता है मेरी बीवी ने माला डाली कि नहीं डाली। तो मैंने कहा तूने तेरी बीवी से चिट्ठी लिख के पूछा है क्या? कहने लगा क्या पूछूं। मैंने कहा अभी चिट्ठी लिख और उसको ये पूछ कि अगर तू थ्री पीस सूट और टाई पहन के आ रहा है माला डलवाने के लिए तो तेरी पत्नी स्कर्ट पहन के माला डाले तुझको। कहने लगा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि यूरोप में अगर पति थ्री पीस सूट और टाई पहनता है तो पत्नी स्कर्ट पहनती, तो तू पूछ अपनी पत्नी को कि स्कर्ट पहन के माला डालेगी। तो उसने कहा वो कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा वाह बेटा अभी क्या बेवकूफी तू कर रहा है। हम कहते हैं कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अभी एक पहिया विदेशी हो जाए और दूसरा स्वदेशी रह जाए तो कैसे चलेगी यह गाड़ी? ये आधे हिंदुस्तानी और आधे अमरीकी लोगों के कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे समाज की बड़ी प्रॉब्लम है। और रात दिन रटाता है अपने बेटे को। मेरा वो दोस्त, फिर मैं लौट के आ रहा हूं, वो कहता है देखो पिताजी सूरज निकल आया। अरे बेवकूफ सन बोल सन। अभी आलू है बटाटा, अरे नहीं पटेटो बोल पटेटो। टमाटर कह रहा नहीं नहीं टमेटो बोल टमेटो। अब वो बेचारा अच्छा खासा अपनी मातृभाषा में कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती लाद रहे हैं उसके ऊपर। और उसका तर्क क्या है, अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो पीछे रह जाएगा। मैंने कहा ये किसने कह दिया, ये किसने कहा तुझसे कि अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो पीछे रह जाए? दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो बिना अंग्रेजी के पीछे रह गया हो? जापान, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, चीन, रूस, कौन सा ऐसा देश है जो बिना अंग्रेजी के पीछे रह गया? और ये सब वो देश हैं जो बिना अंग्रेजी के ही आगे बढ़े। जापान में तो किसी बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती और कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है। आप चाहे जापानीज में पढ़िए, जरूरत हो तो अंग्रेजी पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है वहां पर। फ्रांस में तो बिल्कुल नहीं है, मैंने तो नहीं देखा फ्रांस में कोई कॉन्वेंट स्कूल चलता हो अंग्रेजी में, सब फ्रेंच में चलते हैं। जापान में जापानीज में, चीन में चाइनीज में, रूस में रशियन में, और कहीं चले जाइए हॉलैंड में तो डच में। तो सब बच्चे बचपन से मातृभाषा में पढ़ते हैं, तो क्या जापानीज लोग आगे नहीं गए? क्या फ्रांसीसी लोग आगे नहीं गए? क्या डच लोग आगे नहीं गए? अगर तथाकथित आगे जाने की यही परिभाषा है तो। और मैंने तो देखा एक दिन यहां पे, अभी मारुति सुजुकी का झगड़ा चला भारत सरकार का, तो सुजुकी का वाइस चेयरमैन आया था भारत में, तो उसने एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने धड़ाधड़ जापानीज बोलना शुरू कर दिया। अभी एक पत्रकार उठ के कहने लगा कि आपकी बात कुछ नहीं समझ में आ रही, आप अंग्रेजी बोलिए। तो उसने कहा ये आपका सिरदर्द है मेरा नहीं है, आप समझना चाहें बैठिए नहीं तो जाइए। उठ के चला गया वाइस चेयरमैन सुजुकी। दूसरे दिन पत्रकारों ने एक मीडिएटर को पकड़ा जेएनयू से, तब पकड़ के ले गए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुनी। तो एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक बात कह दी कि हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं बोला, आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो बोल सकते हैं। उन्होंने कहा मैं मेरे राष्ट्र का अपमान नहीं करना चाहता अंग्रेजी। और ये बात छपी अखबार में। बोरिस येल्सिन यहां आए थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रशियन में हुई थी, उन्होंने तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो कोई पीछे थोड़ी है किसी से। ये सबसे बड़ी मानसिक दरिद्रता है हमारी कि बिना अंग्रेजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में वही देश आगे बढ़े हैं जिन्होंने अंग्रेजी को छोड़ा है और अंग्रेजियत को छोड़ा है। हम जब तक इस अंग्रेजी के मोह से चुपके रहेंगे तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस देश का हमें स्वदेशीकरण करना, हर स्तर पर स्वदेशीकरण करना, ये मानसिक गुलामी के लक्षण हैं। और ये बहुत गलत तर्क सारे देश में फैले हुए हैं। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से 180 देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गई? कुछ लोगों को ऐसा लगता है अंग्रेजी बहुत अच्छी बात है, बहुत समृद्धशाली भाषा है, अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है। अगर फ्रेंच, जर्मन, डच, इटालियन, लैटिन इनके शब्द माइनस कर दिए जाएं, तो अंग्रेजी में मूल रूप से सिर्फ 12,000 शब्द हैं। और भारत की सबसे छोटी भाषा है मलयालम, उसमें 18,000 शब्द हैं। मलयालम अंग्रेजी से 6,000 ज्यादा शब्द रखती। मराठी भाषा में इस समय करीब 48,000 शब्द हैं, बहुत सारे तो चलन के बाहर हो गए हैं, कुल मिला के 48, अंग्रेजी से 4 गुनी बड़ी है। गुजराती में लगभग 40,000 शब्द, हिंदी में लगभग 72,000 शब्द, संस्कृत में 150,000 शब्द। संस्कृत दुनिया की सारी भाषाओं की माता जी, बिना संस्कृत के दुनिया में कोई भाषा नहीं विकसित हुई है। उदाहरण आपको दूं, अंग्रेजी में एक शब्द है काऊ, कहां से आया? गऊ से आया। संस्कृत में शब्द है गऊ, उसका बना है काऊ। अंग्रेजी में एक शब्द है गुरुकुलम, सॉरी क्यूरिकुलम, गुरुकुलम से आया है। गुरुकुलम माने गुरुकुल में पढ़ाया जाने वाला शास्त्र या पाठ्यक्रम। तो अक्सर गा का का हुआ है, तो गऊ का काऊ हो गया, गुरुकुलम का क्यूरिकुलम हो गया। रशिया कहां से आया? ऋषि से आया। रशिया नाम का शब्द ही ऋषि से निकला। और अगर आप लिस्ट बनाते जाएं और मैं बोलता चला जाऊं तो 3-1 घंटे इसी में लग जाएंगे। और आजकल मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग ये काम कर रहा हूं, कुछ कंपैरिजन कर रहा हूं दूसरी भाषाओं का अपनी संस्कृत के साथ, और समझ में आ रहा है कि हर भाषा संस्कृत से निकली है। तो हम क्यों परेशान हैं दूसरी भाषाओं के पीछे? हम क्यों नहीं हमारी मातृभाषा संस्कृत को सीखें? और अभी दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जितना ज्ञान संस्कृत में पड़ा हुआ है शायद किसी भाषा में नहीं। अभी तो कोशिश चल रही है, कुछ दिन के बाद संस्कृत का सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है और कंप्यूटर भी काम करेंगे। और जो वैज्ञानिक इस मिशन में काम कर रहे हैं जर्मनी के, उनका यह कहना है कि यह अंग्रेजी से ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा वैज्ञानिक है। इतने सारे शास्त्र हमारे देश के संस्कृत में पड़े हुए हैं जिनका ज्ञान हमको नहीं है, क्योंकि भाषा नहीं आती है। और संस्कृत से ही मिलती जुलती एक भाषा रही है प्राकृत। हिंदुस्तान के धर्मशास्त्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राकृत में लिखा हुआ है, आप पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमने जाना नहीं प्राकृत क्या है, संस्कृत क्या है। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इतने परेशान क्यों हैं आप? अपने बच्चों को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते या प्राकृत क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि आने वाले समय में अंग्रेजी का सूरज डूबेगा, और जो भी कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में काम करेंगे वो भी डूब जाएंगे। शून्य का चक्कर है, 2000 के बाद तो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर ये डूबेगी तो वो सब डूबेंगे जिन्होंने अंग्रेजी सीख रखी है। तो आप क्यों परेशान है? ये तो डूबने ही वाली भाषा है, ये तो चलने वाली नहीं है लंबे समय तक। तो स्वदेशीकरण करिए, अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी सभ्यता का। और यह स्वदेशीकरण नवीनीकरण है, हमेशा सभ्यताओं के नवीनीकरण हुआ करते हैं। संस्कृति अक्षुण होती है, सनातन होती है, संस्कृति में कभी भी नवीनीकरण होने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सभ्यताओं में तो हमेशा नवीनीकरण की गुंजाइश होती है। और यह भाषा का जो संस्कार होता है वो सभ्यता से जुड़ता है, भाषा खुद संस्कृति से जुड़ती है। तो हमें हमारी सभ्यता का नवीनीकरण भी करना है, और यह स्वदेशी का सबसे मूल काम है। अगर कोई मुझसे यह पूछे कि राजीव भाई आप एक लाइन में बताइए कि आप स्वदेशी क्यों कर रहे हैं, मैं कहूंगा मैं मेरी सभ्यता का नवीनीकरण करना चाहता हूं, और स्वदेशी उसका एक रास्ता। हर इस स्तर पे हमको स्वदेशी बनाना है, और वो स्वदेशी बनाना है तो कहां से शुरुआत करनी होगी? थोड़ी थोड़ी शुरुआत अपने घर से करिए। अंग्रेजी भाषा की बेवकूफी को छोड़िए, आंटी अंकल, काहे को आंटी काहे को अंकल? अंग्रेजी में तो आंटी और अंकल इसलिए है कि रिश्तों को कहने के लिए शब्द ही नहीं है।
वहां बुआ भी आंटी, चाची भी आंटी, काकी भी आंटी, ताई भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, सभी आंटी। आप कह के दिखा दीजिए बुआ को मामी, और रह के दिखा दीजिए फिर अपने घर में। आप कह के दिखा दीजिए मौसी को काकी, फिर रह के दिखा दीजिए इस घर में। अंग्रेज कह सकते हैं, क्योंकि रिश्तों की गर्माहट क्या होती है ये उनको अंदाज नहीं है, इसलिए आंटी है। काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, मामा भी अंकल, मामा के मामा भी अंकल, सभी अंकल। यहां तो संभव नहीं है, काका मौसा नहीं हो सकते, मौसा मामा नहीं हो सकते, हरेक का अपना एक निश्चित रिश्ता है। तो काहे को सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि बोल अंकल आए हैं, काहे को आए अंकल, काका आए हैं या कुछ आए हैं, अंकल क्यों आए हैं, आंटी क्यों आए हैं। तो छोड़िए ये अंकल और आंटी, और अंकल और आंटी आप छोड़िए, अपने बच्चों से छुड़वाइए। और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये पिंकल, डिंपल, टिंकू, ये और वो, ये नाम रखना छोड़िए, फालतू के नाम। इतने अच्छे अच्छे नाम भारतीय संस्कृति में, राम है, कृष्ण है, शिव है, राम गोविंद है, एक साथ दो दो भगवान, राम और गोविंद दोनों एक साथ मिल जाएं, ये कौन सी संस्कृति में संभव है, ये यहां संभव है। तो कहे को परेशान है बेवकूफी के नाम, और ऐसे नाम जिनका कोई अर्थ नहीं है ये रखना बंद करिए, और अपने घरों के भी रखना बंद करिए इस तरह से। तो माने स्वदेशी होना शुरू करिए, ये स्वदेशी होना माने सभ्यता के नवीनीकरण का काम है। तो आप स्वदेशी होना शुरू करिए, और ये स्वदेशी होना अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी सभ्यता से सबसे आसानी से हो सकता है, तो आप होइए। अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजना भी बंद करिए। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल इसलिए चलाए जाते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है। यूरोप में किसी आदमी से आप पूछिए कॉन्वेंट का माने, कॉन्वेंट का माने लावारिस बच्चों का स्कूल, ये उसकी परिभाषा है। लावारिस बच्चे कौन? जिनके मां का पता नहीं, जिनके बाप का पता नहीं, जिनके परिवार का पता नहीं, और यूरोप में सबसे ज्यादा इसी तरह के बच्चे हैं। हां, सबसे ज्यादा इसी तरह के बच्चे, और 1,500 साल से उनके यहां एक सभ्यता है। आप उसको सभ्यता कहेंगे, मैं तो उसको क्रूरता कहता हूं। मैंने कुछ यूरोपियन हिस्ट्री को काफी गहराई से पढ़ने की कोशिश शुरू की है, तो मुझे पता चल रहा है कि 1,500 साल तक यूरोप में एक परंपरा रही, बच्चा पैदा हुआ उसको एबेंडन करो, माने लावारिस छोड़ो, चर्च के सामने छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अब ये बच्चा पैदा हो रहा है, छोड़ दो, ये आई कहां से है सभ्यता? ये हिंसा में से निकली हुई सभ्यता। अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर पालने का काम जो नहीं कर पाई सभ्यता, वो सभ्यता तो दूसरों पे हिंसा ही कर सकती है। उनको तो प्यार करना नहीं आता, उनको तो प्रेम भी नहीं आता, कि प्रेम होता क्या है, प्राय प्यार होता है। तो बच्चों को लावारिस छोड़ा, सैकड़ों सैकड़ों साल लावारिस छोड़ा, तो वो लावारिस छूटे हुए बच्चों के लिए कोई स्कूल की जरूरत है, तो कॉन्वेंट स्कूल आए। आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि कॉन्वेंट स्कूल में फादर क्यों होते हैं, सिस्टर क्यों होती है, मदर क्यों होती है? क्योंकि उन बेचारे लावारिस बच्चों को अपने असली फादर, असली मदर, असली सिस्टर का पता नहीं है, इसलिए वहां रखकर उनको एक प्राकृतिक एहसास कराने की कोशिश की जाती है कि ये फादर हैं, ये मदर हैं, ये सिस्टर है। तो उन बच्चों के लिए तो ठीक है जो लावारिस हैं, उनको मालूम नहीं फादर क्या है, मदर क्या है। हमारे बच्चे तो हमारे घर में पिता के साथ, मां के साथ, बुआ के साथ, चाची के साथ, सबके साथ रहते हैं, हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं उस व्यवस्था में? और अगर आपके बच्चे जा रहे हैं कॉन्वेंट में, तो आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं आपको मालूम? हमारी भारतीय संस्कृति में किसी बेटे की दो माताएं तो हो सकती हैं, दो पिता कभी नहीं होते। भगवान कृष्ण की दो माताएं थी, देवकी और यशोदा। भगवान राम की तीन थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, और तीनों अपने को राम माने राम तीनों को अपनी मां मानते थे। किस्सा कुछ इस तरह का है कि वो प्रसाद बांटा था किसी एक ऋषि ने, दशरथ को संतान नहीं थी तो किसी ऋषि की पूजा की थी, तो प्रसाद बांटा था, तो वो प्रसाद तीनों रानियों को बराबर बराबर बांटा गया था। तो ऋषि ने ये कह दिया था कि सभी बच्चे एक जैसे होंगे, या सब एक दूसरे के मां और पिता मानेंगे। तो राम तीन माताओं वाले थे, पिता तो उनके एक ही थे। आप जब अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, तो क्यों दो पिता बनवा रहे हैं? एक तो आप हैं घर में, दूसरे स्कूल में है फादर, काहे के लिए?
इतना विदेशीकरण तो मत करिए अपने बच्चों का, इतना तो विदेशी मत बनाइए उनको, इतना अत्याचार तो मत करिए उनके ऊपर, इसलिए उनको कॉन्वेंट में भेजना बंद करिए। और ये कॉन्वेंट स्कूल चले क्यों हैं? ये चले हैं हिंदुस्तान में उन बच्चों के लिए, उन लोगों के बच्चों के लिए जो क्रिश्चियन हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो क्रिश्चियनाइजेशन का एक प्रोसेस चला है इस देश में, और वो कोई आज का नहीं है, वो 150-200 साल पुराना है। अंग्रेजों ने 1813 से भारत में क्रिश्चियनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था। और मेरे पास एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स का एक प्रस्ताव है जिसको मैं छापने वाला हूं कुछ दिन के बाद किताब के रूप में। वो प्रस्ताव है सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, जिसका टाइटल है हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का पारित किया हुआ, माने ईस्ट इंडिया कंपनी धंधा करने नहीं आई है, वो हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए भी आई है। और बिल्वर फोर्स का भाषण है, और वो भाषण में बिल्वर फोर्स बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि व्यापार करना तो बहाना है, असली काम तो हिंदुस्तान को ईसाई बनाना, तो उनका मूल उद्देश्य तो ईसाई बनाने का है, तो वो तो आए हैं इसके लिए आपके देश। और 1813 के बाद जब यह प्रस्ताव पारित हो गया है हाउस ऑफ कॉमन्स में, उसी के बाद हिंदुस्तान में चर्च बनना शुरू हुए हैं, फिर यहां पर पादरी आना शुरू हुए हैं, फिर उनके लिए पैसा आना शुरू हुआ है, फिर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया है, वो कानून आज भी चलता है, उसका नाम है FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इस कानून के तहत चर्च के लिए पैसा आता है, फिर उसके लिए स्कूलों के लिए पैसा आता है, तो वो तो आज भी चल रहा। तो ये तो चर्च और स्कूल बनाए गए, चलाए गए उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियन बनेंगे और उनके बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएंगे। उनका मोटिव बहुत साफ है, हम बेवकूफ हैं जो अपने बच्चों को वहां भेज रहे। तो फिर कहते हैं राजीव भाई क्या बताएं, मातृभाषा के स्कूल अच्छे नहीं चलते। अक्सर लोगों का यह तर्क है कि हमारे मराठी माध्यम के स्कूल अच्छे नहीं चलते, गुजराती वाले अच्छे। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आपने कब मराठी माध्यम के स्कूलों को उतना डोनेशन दिया है जितना आप कॉन्वेंट स्कूल को दे आते। कॉन्वेंट स्कूलों को एक एक बच्चे के लिए 25,000 भी दे देंगे, 30,000 भी दे देंगे, 50,000 भी दे देंगे, उनकी गालियां भी सुनेंगे, उनकी झड़कियां भी सुनेंगे, लाइन लगा के खड़े भी रहेंगे। और मराठी स्कूल को 5,000 रुपए दान करने की बात आए तो कहेंगे कैसे दें। तो आपने तो खुद सत्यानाश किया है अपनी मातृभाषा के स्कूलों का। और मेरे समझ में यह नहीं आता कि मराठी माध्यम के स्कूलों को दान अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर कोई बाहर से थोड़ी आएगा मराठी माध्यम के स्कूलों को चलवाने के लिए, कोई बाहर से थोड़ी आएगा गुजराती माध्यम के स्कूलों को चलवाने के लिए, कोई बाहर से थोड़ी आएगा हिंदी माध्यम के स्कूलों को चलवाने के लिए। वो तो आपको चलाने पड़ेंगे, आपको उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा ये चुनौती के साथ कहता हूं कि जितना डोनेशन कॉन्वेंट स्कूलों को जाता है, अगर वो मराठी और गुजराती स्कूलों को मिलना शुरू हो जाए तो कॉन्वेंट से कई गुने अच्छे ये स्कूल चलना शुरू हो जाएंगे। और सवाल प्रतिष्ठा देने का है। आपने जो प्रतिष्ठा दी हुई है उन स्कूलों को, वो प्रतिष्ठा आप मराठी स्कूलों को दे दीजिए, गुजराती स्कूलों को दे दीजिए, दूसरी मातृभाषा के स्कूलों को दे दीजिए, तो वो भी चलने लगेंगे और इतने ही सक्षम हो जाएंगे, इतनी ही शक्ति उनमें आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखिए हमेशा से कि बच्चे का अगर संपूर्ण विकास आप चाहते हैं तो मातृभाषा में उसको पढ़ाइए। बिना मातृभाषा के किसी भी बच्चे का विकास होना संभव नहीं। और ये मैं बहुत गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं कि मेरा सत्यानाश हो चुका है बचपन में, अंग्रेजी में मैं पढ़ के मेरा सत्यानाश करवा चुका हूं। और वो उसका लक्षण अगर आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं कि मैं भाषण हिंदी में देता हूं, शब्द अंग्रेजी में आते। वो बीमारी अभी तक नहीं गई मेरे मन से, मैं बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि इस अंग्रेजियत का प्रोडक्ट हूं मैं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं मेरा स्वदेशीकरण करूं और ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। कुछ दिन पहले तक तो अंग्रेजी हिंदी बोलना भी मुश्किल था मेरे लिए, अभी इतनी बोल पाता हूं, एक आध साल में शायद इससे भी अच्छी बोल पाऊं। यह कोशिश कोई भी कर सकता है। और मैं आपको मेरी बीती हुई बता रहा हूं कि जब मैं रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करता था और जब भी मेरे प्रोजेक्ट की हाइपोथेसिस लिखने के लिए मैंने कुछ सोचने की प्रक्रिया शुरू की, जब जब मैंने अंग्रेजी में सोचा एक लिमिट के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया और सोचने के लिए मुझे मेरी मातृभाषा में आना ही पड़ा। तो मौलिक चिंतन अगर कराना है किसी को, मुख्य बात है सोचने के लिए आपको सिखानी है तो मातृभाषा ही चाहिए, उसके साथ शब्द चाहिए, शब्दों का संस्कार चाहिए। तो किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास उसकी मातृभाषा में ही संभव है। और आप चाहें तो यह प्रयोग करके देख लीजिए, आप अपने बच्चे को कोई सवाल दीजिए मराठी में हल करने के लिए, हो सकता है वो 15 मिनट में कर ले, 20 मिनट में कर ले, फिर उसी सवाल को अंग्रेजी में दे दीजिए आप हल करने के लिए,
तो हो सकता है एक घंटा लग जाए उसको। हाँ, मेरा अपना कैलकुलेशन है कि मातृभाषा में कोई प्रश्न अगर आप एक घंटे में तैयार करा दें अपने बच्चे को, तो अंग्रेजी में वही प्रश्न तैयार कराने के लिए 6 घंटे चाहिए उसको। तो आप कर क्या रहे हैं, अपने बच्चे को अंग्रेजियत में डालकर उसके जीवन का 6 गुना शब्द समय बर्बाद कर रहे हैं। और मैंने गंभीरता से यह भी दावा करना शुरू किया है कि हमारे यहां जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, जो कुछ मैंने पढ़ी, या मेडिकल साइंस की पढ़ाई है, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई है, अगर ये मातृभाषा में शुरू हो जाए तो कोई भी विद्यार्थी मुश्किल से 2-2.5 साल में इंजीनियर हो जाएगा। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मुश्किल से 2-2.5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, 3 साल से ज्यादा लगने वाला नहीं है, क्योंकि 1-2 साल तो उस बच्चे के भाषा का संस्कार सीखने में ही बर्बाद होते हैं। और उस समय बच्चे के मन की तकलीफ क्या है आप इसका कल्पना नहीं कर सकते, मैंने किया है। और ये जो कॉन्वेंटियन या अंग्रेजियत का सिस्टम जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है और सिखा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपसे गंभीरता से कह दूं कि जो कुछ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं उसका 90% उनके जीवन में कभी काम नहीं आएगा, जैसे मेरे जीवन में नहीं आया। मैं पढ़ता था तो मुझको मार मार के पढ़ाया जाता था x + y² = x² + 2xy + y². x - y² = x² - 2xy + y². इसमें हमेशा गड़बड़ होती थी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस। तो पिटाई होती थी, क्लास में खड़ा कर दिया जाता था, हाथ खड़े करो, मुर्गा बन जाओ, ये करो वो करो। एक दिन मुझको इतना परेशान किया मेरे मैथ्स के टीचर ने, मुझे लगा कि अभी सब छोड़कर इसी पे लग जाऊं, तो मैंने रटना चालू कर दिया x + y² x - y², एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया घंटों घंटों, दिन दिन, महीने महीने। और इतनी मेहनत के साथ मैंने जो तैयार किया x + y² x - y², आज मुझे मालूम नहीं कि मैं उन दोनों का करूं क्या अपने। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या करूं उसका। तो जो मेरे जीवन में आज तक काम नहीं आया वो मुझे पढ़ाया क्यों गया फिर, मेरा एक ही प्रश्न है। हिंदुस्तान के शिक्षाविदों से, हिंदुस्तान के शिक्षा नीति निर्माताओं से मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, और मैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं कि जो मेरे जीवन में कभी काम नहीं आया वो आपने मुझे क्यों पढ़ाया। इसी तरह से x - y³, x + x + y³, पता नहीं क्या 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 सब पढ़ाते थे। और इसके विपरीत, एक बार मुझे याद है मेरे बचपन का, मेरी दादी माँ ने मुझको एक पहाड़ा सिखाया था। मेरी दादी माँ कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गई आज तक, उसके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन उसने मुझको पढ़ाया 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना, 5 गुना, ये सब पढ़ाया। और वो मेरे जीवन में रोज काम में आता। मैं भाजी खरीदने जाऊं तब काम में आता है, मैं दुकान पे जाऊं तब काम में आता है, मैं विदेश चला जाऊं तब भी काम में आता है, क्योंकि टिकट खरीदनी है, तुरंत हिसाब लगाना पड़ता है, वो रोज मेरे काम में आता। लेकिन मेरे पीएचडी होल्डर अध्यापकों ने जो कुछ पढ़ाया वो मेरे जीवन में आज तक कभी काम में नहीं आया। और मुझको अधकचरा कैसे बनाया गया, कैसे मैं आधा हिंदुस्तानी कैसे आधा अंग्रेज बना, उसका भी है कि बचपन में मुझको एक सवाल देते थे, मुझे अभी भी याद है, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, ईश्वर की कृपा है कुछ। बचपन में मुझे एक सवाल मिलता था कि डैडी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। अभी उद्देश्य क्या है, सब्सट्रैक्शन सिखाना है, तो 10 रुपए में से 5 रुपए जाएंगे तो कितना बचेगा, उद्देश्य ये है। लेकिन उदाहरण क्या लिया हुआ है कि 5 रुपए की चॉकलेट खाई। अभी मान लो मैं 10 रुपए में से 5 रुपए की चॉकलेट खाना शुरू करता हूं, तो एक दिन पूछूंगा कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की। तो मैं तो बचपन से अच्छा खासा स्वदेशी आदमी, आपने मुझे विदेशी बना दिया। अगर यही सवाल था तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता था कि पिताजी ने 10 रुपए दिए, पूछूंगा मां ये मंदिर क्या होता है, फिर पूछूंगा ये दान क्या होता है, फिर मेरी मां समझाएगी कि मंदिर क्या होता है, फिर ये भी समझाएगी दान क्या होता है, और ये मंदिर और दान समझता हुआ जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने आप भारतीय सभ्यता में लौट आऊंगा। तो मुझको तो बचपन से विदेशी बनाया गया। मुझे मॉरल साइंस की एक किताब पढ़ाई जाती थी, उसका पहला ही चैप्टर होता था कि सवेरे सवेरे उठिए और मम्मी डैडी को गुड मॉर्निंग कहिए। एक बार मेरा झगड़ा भी हुआ मेरे अध्यापक से और उसकी मुझे पिटाई हुई, और आज भी याद है डस्टर से मारा था मुझको मेरे
अध्यापक ने, वो जो डस्टर होता ना उससे मारा था, हाथ सूज गया था। तो क्यों मारा था? मैंने पूछा कि गुड मॉर्निंग क्यों कहें, नमस्ते क्यों नहीं कहें, नमस्कार क्यों नहीं कहें? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुड मॉर्निंग ही कहनी है। तो मैंने कहा आप मुझे बता दीजिए कि क्यों कहना, फिर मैं कहूंगा। वो नहीं बता पाया कि क्यों कहना। बहुत साल के बाद जब मैं यूरोप गया तो मुझे पता चला कि गुड मॉर्निंग क्यों कहना चाहिए। वहां साल में 6 महीने धूप नहीं निकलती, सूरज नहीं निकलता साल में 6 महीने। कभी कभी धूप निकलती है, कभी कभी सूरज निकलता है। तो जिस दिन धूप निकली या सूरज निकला वो सुबह वहां बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हर आदमी दूसरे को कहता है कि मे आई विश यू टू हैव अ गुड मॉर्निंग, माने मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हो, ताकि आपको सूरज दिखाई दे, धूप दिखाई दे। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। आज सूरज निकला है, कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, 3 महीने बाद भी निकलेगा, 30 साल बाद भी निकलेगा। तो यहां गुड मॉर्निंग क्यों कहूं? लेकिन वो इसलिए कहलवाया जा रहा है कि मैं बचपन से विदेशी हो जाऊं। मेरे किताब में एक चैप्टर होता था यू एंड योर फैमिली, तो उसमें क्या था, मॉम है डैड है। फिर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मम्मी डैडी से मॉम डैड तक पहुंच गया वो। और यहां फिर गर्व की बात हो गई, मॉम बोल डैड बोल। अभी बेचारा आई बोल रहा है, पिताजी बोल रहा है, नहीं नहीं मम्मी बोल, नहीं नहीं डैडी बोल, और डैडी से डैड तक, डैड माने DEAD मरा हुआ, और मम्मी माने इजिप्ट में जो मर जाते हैं उनको मम्मी कहते हैं। तो पिताजी भी मार डाले मैंने, और अब माताजी भी मार डाली और कह रहे हैं बच्चा स्मार्ट है। बेचारा आई बोलता है, पिताजी बोलता है, वो मंजूर नहीं है मम्मी डैडी बोलवाए। और वहां से अब डैड तक आ गए हैं, मॉम तक आ गए, और वो नमस्ते नमस्कार हाय 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 हाय। मैंने तो बचपन में देखा है हाय 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 तब करते थे जब कोई मर जाता था, और ऐसे छाती पीटते हाय 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 हाय। आजकल के सब बच्चों को मैं यही देखता हूं, खासकर कॉन्वेंटियन तो यही करते रहते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, बचपन से विदेशीकरण हो रहा है मेरा, और बहुत अच्छे तरीके से। माने जब आपको पता नहीं चले कि कोई ऐसी प्रक्रिया आपके ऊपर अपनाई जा रही है, आप उससे विदेशी होते चले जा रहे हैं, यह बहुत आसान तरीका होता है गुलाम बनाने का। यही चल रहा है। और कैसे मुझको एक संकुचित दिमाग वाला बनाया जा रहा है, कैसे मुझे फंडामेंटलिस्ट बनाया जा रहा है इस शिक्षा के माध्यम से। कहते जरूर है कि आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, वास्तव में मैं फंडामेंटलिस्ट हो रहा हूं। कैसे हो रहा हूं? एक चैप्टर मैंने पढ़ा है, उसको मैं आज भी याद करता हूं, यू एंड योर फैमिली। तो उसमें क्या है, मम्मी है डैडी है, तुम हो तुम्हारा भाई है, फैमिली खत्म। इसके आगे फैमिली में, मेरी फैमिली में मेरे काका भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, मामा भी हैं, मौसा भी हैं, मौसी भी हैं, नाना भी है, नानी भी है, दादा भी है, दादी भी, ये कहीं नहीं है, सिर्फ मैं, मेरी मां, मेरे पिता, मेरा भाई, फैमिली खत्म। अब जब बचपन से मैं यही सीखता आया हूं, एक दिन अचानक से काका आ गए कोई घर में, तो पूछ रहा हूं मम्मी कब जाएंगे ये? आते घर में नहीं घुसे कि कब जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके साथ मेरा कोई रागात्मक रिश्ता नहीं है। और ये रागात्मक रिश्ता बनेगा कहां से? मुझको संस्कार वो मिला नहीं शिक्षा के माध्यम से। और फिर आगे बड़े होकर मैं इसी बात को सीख रहा हूं, और सारा देश कहता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्चुअली पूरे देश को फंडामेंटलिस्ट बनाया जा रहा है। हम दो हमारे दो, बाकी आपका कोई नहीं। तो यहां तो इतना बड़ा परिवार, परिवार से भी बड़ा कुटुंब, और कुटुंब से बड़ा गांव, वो सब खत्म करके मुझको इतना संकुचित कर दिया आपने कि अभी हम दो हमारे दो। तो आपने कह दिया कि आपकी प्रोग्रेस हो गई, वास्तव में तो आप फंडामेंटलिस्ट हो गए, संकुचित हो गए, प्रतिक्रियावादी हो गए कि चाचा आ गए तो कब जाएंगे, मामा आ गए तो कब जाएंगे, दादा आ गए तो कब जाएंगे, नानी आ गई तो कब जाएगी। ये सब बच्चों के मन में कहां से पैदा हो रहा, ये डाला जा रहा है एक संस्कार के रूप में। और दुर्भाग्य हम सबका यही है कि इस तरह के संस्कार लेकर जब हम बड़े हो रहे हैं, तो ना तो हम भारतीय हैं, ना तो हम यूरोपियन हैं, ना तो हम अमेरिकन हैं, ना तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी खिचड़ी बन के रह गई है, एक त्रिशंकु की हालत में हम लटक रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं लोगों से, और ये मैं बहुत गंभीर बात कहता हूं, कि या तो
या तो हम तय करें और सारे देश को पूरी ताकत लगा के यूरोप बना दें, अमेरिका बना दें, उसमें मुझे मंजूर है, आप कर लीजिए, लेकिन उसके परिणामों के बारे में पहले से सोच लीजिए। यूरोप में, अमेरिका में भाई और बहन के बीच जो शुचिता होती है वो संभव नहीं है। मैंने दुनिया के किसी भी देश में रक्षाबंधन जैसा त्यौहार नहीं देखा। और जब मैं यूरोप में गया तो बहुत बार उन लोगों से बात करता था, और एक बार ऐसी चांस की बात थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन पेरिस में था और मेरी बहन के साथ मैंने फोन पे बात की, तो मेरे दोस्त जिसके घर में मैं रहता था उसने मुझसे पूछा कि तुमने इतनी देर अब तुम्हारी बहन से बात की, मैंने कहा आज रक्षाबंधन है, तो उसने पूछा कि ये क्या होता है, मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ये क्या होता। और बहुत दिन मैंने उसको सोचा कि मेरे देश के ऋषियों ने मुनियों ने ये रक्षाबंधन क्यों बनाया। होली बनाई समझ में आता है, उत्साह है, उल्लास है, नई फसल आती है, कटती है, होली है। दिवाली बनाई, लक्ष्मी की पूजा करनी है, घर में धान्य आना है, वो भी समझ में आता है। दशहरा है, भगवान राम ने रावण पे विजय पाई, वगैरह वगैरह। माने हर त्योहार किसी ना किसी पौराणिक कथा के साथ जुड़ा हुआ है, अकेला ये रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो किसी पौराणिक कथा से नहीं जुड़ता। तो क्यों बनाया होगा ये? तो बहुत दिन के बाद मेरे समझ में आया कि भाई और बहन के बीच में वो पवित्रता का हमेशा से एहसास बना रहे, इसलिए बहन हर साल राखी बांधे और भाई उस पवित्रता के एहसास को महसूस कर सके। यूरोप में जब भाई बहन 15 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 16 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 17 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो वो लोग आपस में उतने ही पवित्रता का एहसास कर सकें जो हम कर पाते हैं, इसकी संभावना नहीं होती। और आप इशारे से समझ सकते हैं, और उनकी संस्कृति और सभ्यता में संभव भी नहीं है कि ये हो सके। ये मेरी ही सभ्यता में संभव है कि भाई और बहन के बीच कभी भी कोई दुष्चरित्रता आने ना पाए, इसलिए हर साल वो रिपीट करती है, बहन राखी बांधती है और मैं उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता हूं। तो ये एक एहसास दिलाने वाला त्योहार है, ये भारतीयता से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस समाज को यूरोपियन बनाएंगे या अमेरिकन बनाएंगे तो रक्षाबंधन माइनस करना पड़ेगा, संभव नहीं है, वो चल नहीं पाएगा। और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो फिर ये भी कल्पना कर लीजिए कि भाई और बहन के बीच में पवित्रता की कोई दीवार होगी या नहीं होगी। अगर आप इन रिश्ते नातों को छोड़ देंगे यूरोपियन बनने के चक्कर में, अमेरिकन बनने के चक्कर में, तो कल्पना कर लीजिए फिर मां बेटे के संबंधों के बारे में, क्योंकि यूरोप में तो सिगमंड फ्राइड जैसे लोग हुए हैं जो मां बेटे के संबंध में भी अश्लीलता देख सकते, सेक्स देख सकते, इतने आंख के अंधे हमारे यहां तो नहीं हो सकते। मां के प्रेम में करुणा तो हो सकती है, ममता तो हो सकती है, सेक्स कहां से आया? लेकिन सिगमंड फ्राइड तो वही देखता है, यूरोपियन सभ्यता में तो यही है और वो उनका मूल है। इसलिए वहां क्या होता है, संबंध सिर्फ दो होते हैं, या तो स्त्री होती है या तो पुरुष होता है, या तो औरत होती है या तो पुरुष होता है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी होती हैं, और बाकी चीजें तो मजबूरी की होती हैं जिनको निभाना पड़ता है और कुछ समय तक निभाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। एक बार मैं हॉलैंड में था, एम्स्टर्डम में, मेरे होस्ट थे, मुझे उनकी चिंता क्या थी, उनकी लड़की थी, बेटी थी जिसकी 14 साल की उम्र हो गई थी, उनका नाम था आइलिन, मैं आइलिन के साथ रहता था। एक दिन आइलिन ने मुझसे कहा कि राजीव मैं बहुत चिंता में हूं। मैंने कहा क्या चिंता है आपकी? कि मेरी बेटी का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, 14 साल की उनकी बेटी, और उनकी चिंता है कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा आइलिन क्या बोल रही हो आप? कि नहीं नहीं मेरी बहुत चिंता है। तो मैंने तड़ से पूछ लिया कि आपके कितने बॉयफ्रेंड थे? तो उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया। फिर वहीं से एक दिन एहसास आया तो मैंने आइलिन से पूछ भी लिया कि आइलिन आपने शादी कितनी की है? तो आइलिन की 14 शादियां हुई थी। फिर मैंने एक दिन आइलिन से पूछा कि आइलिन आपके बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने बताया कि कुछ 7-8 बच्चे भी हैं। मैंने कहा वो रहते कहां हैं? कि सब यहीं रहते हैं एम्स्टर्डम में। मैंने कहा आपके पास नहीं है? कि नहीं है। उनके पास कौन रहता है? 2-3 कुत्ते पाल रखे थे। आइलिन का कोई पति भी नहीं था। मैंने कहा आपके सब पति मर चुके हैं? कि नहीं, 3 मरे हैं, बाकी सब जिंदा है। मैंने कहा वो सब कहां रहते हैं? कि वो भी सब यहीं रहते हैं। आपके साथ क्यों नहीं रहते? कि नहीं रहते। फिर मैंने पूछा आइलिन आप जरा ये बताइए आपका सबसे पहला तलाक कब हुआ था और क्यों हुआ था? आप बिना हंसे सुनिएगा इसको। तो आइलिन ने जवाब दिया कि मेरा सबसे पहला तलाक हुआ था क्योंकि मेरे पति ने मेरा टूथब्रश कर लिया था।
इसलिए तलाक हो गया। माने पति के मात्र टूथब्रश कर लेने से आइलिन ने अपने पति को तलाक दे दी। दूसरे पति का तलाक कैसे हो गया? तो ऐसे ही एक एक से बेवकूफी के उदाहरण कि एक दिन आइलिन ने कहा था और उसने सेंट नहीं लगाया था, तो आइलिन को लगा कि ये बहुत गंदा आदमी है, तो तलाक हो, और कहा कि उसके शरीर में से बहुत बदबू आती थी, पसीने की बदबू आती थी। अब आइलिन जो कह रही थी मैं आंखें फाड़ के सुन रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये सब आश्चर्य की बातें हैं, और मैं आइलिन की कही हुई हर बात अपनी मां के ऊपर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी मां मेरे पिता से 50 बार दुखी हो सकती है, 100 बार दुखी हो सकती है, 50 बार उनको डांट सकती है, 100 बार डांट सकती है, लेकिन तलाक लेने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। तो भारत को अगर आप यूरोप बनाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारत को अगर अमेरिका बनाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा हमको। और आइलिन की पूरी कहानी वहां से लौटकर मैंने लिखी थी, यहां एक पत्रिका निकलती है हिंदी में, उसका नाम है हंस, उसमें वो छपी थी 91-92 में। तो मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगे थे, जैसे कुछ एक आरोप ऐसे भी लगे थे कि तुम सब जो है फालतू के लोग हो, तुमको प्रोग्रेस ही नहीं दिखाई देती यूरोप में। मैंने कहा मैं देखूं कहां से, चश्मे तो मैंने सब बदलने की कोशिश की, अब दिखाई दे तब तो देखूं, है वहां पे कुछ तो देखने के लिए देखूं। संकट वहां का यही है, हम क्या देखते हैं वहां जाके। मेरे कुछ दोस्त हैं कहते देखो अमेरिका कितना अच्छा है, तो मैंने कहा क्या है, कि देखो सड़क के ऊपर सड़क, हाँ यही बहुत बड़ी भारी बात, एक सड़क उसके ऊपर सड़क फिर उसके ऊपर सड़क, तो तीन तीन सड़क, तो चार चार सड़क, देखो कितनी चौड़ी चौड़ी सड़क, कितनी लंबी लंबी सड़क, कहीं गड्ढा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, देखो कितनी अच्छी सड़क, 150 किलोमीटर की स्पीड से ले जाओ, 200 किलोमीटर की स्पीड से ले जाओ, 300 किलोमीटर की स्पीड से ले जाओ। फिर उससे ज्यादा पूछिए कि भाई जरा ये बताओ इस सड़क पे बलात्कार कितने होते हैं, तो आपकी रूह कांप जाएगी अगर आप उनके आंकड़े सुनेंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका का हर्ट माना जाता है, न्यूयॉर्क का हर्ट माना जाता है एक इलाका, हालांकि अमरीकी उसको स्वीकार नहीं करते, मैं कहता हूं हार्लेम। अमेरिका देखना हो तो हार्लेम में जाइए पहले, तब आपको दिखाई देगा कि अमेरिका का असली चेहरा क्या है। वॉशिंगटन डीसी के आसपास आप घूम के चले आएंगे तो आपको अमेरिका समझ में नहीं आएगा। अमेरिका को समझना है तो हार्लेम में जाना पड़ेगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि भुखमरी कितनी है, बलात्कार कितने होते हैं, चोरियां कितनी होती हैं, डकैतियां कितनी पड़ती हैं। अभी तो अमेरिकन सरकार के आंकड़े हैं, उनका एक कमीशन है, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उन्होंने एक कमीशन बिठाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका में एक मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका में एक मिनट में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं। अमेरिका में एक मिनट में सबसे ज्यादा छेड़खानी की ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कई बार मृत्यु तक हो जाती है। अमेरिका में सेक्स और सेक्स से संबंधित बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा, और ऐसी ऐसी बातें आप सुनते चले जाइए तो आपका दिल कांप जाएगा। और क्राइम अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है, किसी के रोके नहीं रुकता है। अमेरिकन सरकार का जो बजट आता है, या ऐसे माने कि अमेरिकन सरकार का जो नेट रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका करीब करीब 15-20% क्राइम को रोकने में खर्च होता है, नेट रेवेन्यू कलेक्शन का, फिर भी क्राइम रुकता नहीं है। और क्राइम किस लेवल के होते हैं, 11 साल का बच्चा बंदूक निकाल के 5 बच्चों को मार देता है अपने स्कूल में, वॉशिंगटन में अभी हुआ, वॉशिंगटन डीसी। 13 साल का बच्चा जेब में रिवॉल्वर लेके आता है, क्लास में शूट कर देता है अपने अध्यापक को, क्योंकि अध्यापक ने उसको पनिशमेंट दिया। 12-15 साल के 10-12 बच्चे खुली जीप में बैठते हैं और दनादन गोलियां चलाते हुए निकलते हैं, बाद में पुलिस उनको अरेस्ट करती है, पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, फॉर द सेक ऑफ द फन, थ्रिल है इसमें, रोमांच है ये करने, वो अमरीका है। क्लास में कोई टीचर पढ़ाए और बिना बेइज्जत होके निकल आए तो ये आश्चर्य की बात मानी जाती है वहां। कोई भी क्लासरूम में टीचर घुसे और वो टीचर बिना बेइज्जत होके उस दिन बाहर निकले तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ा खिलाफ फतह कर लिया। बच्चे जिस तरह की बेइज्जती करते हैं अपने अध्यापकों की, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
और किससे, तो यहां तक है कि बच्चों के अपने अध्यापकों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका वो देश है जहां होमोसेक्सुअलिटी सबसे ज्यादा है। बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो सबसे पहला कानून बनाया अपने देश में, होमोसेक्सुअल लोगों को शादी करने की छूट दी, पुरुष पुरुष से शादी करे, महिला महिलाओं से शादी करे। फिर दूसरा कानून बनाया बिल क्लिंटन ने कि आर्मी में नेवी में होमोसेक्सुअल्स की भर्ती हो सकती है, जो अब तक पाबंदी लगाई गई थी किस पर। तो 50 बार सोचिए भारत को अमेरिका बनाने से पहले, 50 बार सोचिए भारत को यूरोप बनाने से पहले। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान को आप हिंदुस्तान ही रहने दीजिए, इसको अमेरिका बनाने की कोशिश मत करिए, यूरोप बनाने की कोशिश मत करिए, इसको भारत ही रहने दीजिए। हां, इतना जरूर करिए कि भारत के भारतीय रहने में जो गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं पिछले 1-1.5 हजार साल में, इनको दुरुस्त कर लीजिए तो ये समाज बहुत आगे निकल जाएगा। उन गलतियों को, उन गड़बड़ियों को जो हमारी सभ्यता में पनपी पिछले 1-1.5 हजार साल में, और आप जानते हैं लंबे समय तक अगर किसी भी सभ्यता पर बाहरी आक्रमण होते रहे तो वो समाज तो टूटना फूटना शुरू हो ही जाता है। हम तो 3rd century BC से अटैक झेल रहे हैं। सिकंदर आया और सिकंदर के बाद लाइन लगी इस देश में। बीच में कुछ ऐसा पीरियड था 200-500 साल का जिसमें कोई नहीं आया अटैक करने के लिए, लेकिन आते ही रहे। तो जो समाज 1-1.5 हजार साल बाहर के आक्रमणों को झेलता रहा हो, उस समाज में आंतरिक गड़बड़ियां और विकृतियां आना बहुत स्वाभाविक है। हमारी आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि पिछले 1-1.5 हजार साल में, 2000 साल में जो आंतरिक विकृतियां आई हैं हमारे समाज में, उनको हम ठीक कर लें, माने भारत को ज्यादा अच्छा भारत बना लें। ये तो हम सबके लिए संभव है, भारत को अमेरिका बनाना संभव नहीं, भारत को यूरोप बनाना संभव नहीं। और अगर ये काम करना है तो स्वदेशीकरण करना ही होगा। तो हम स्वदेशी आंदोलन क्यों चला रहे हैं? क्योंकि इस पूरे भारतीय समाज का हमें स्वदेशीकरण करना है। कहां कहां ये विदेशी है उसकी पहचान करनी है, फिर उस पहचान के आधार पर कहां कहां इसे स्वदेशी बनाना है उसके लिए प्रयास करना है। अभी तो मेरे जैसे आदमी के लिए मैं तो आपसे पूरी विनम्रता से यह कह रहा हूं कि अपने आप को ना तो मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानता हूं ना मैं सोशल साइंटिस्ट हूं। मैं तो साइंस टेक्नोलॉजी का आदमी, लेकिन अभी एंथ्रोपोलॉजी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, सोशल साइंस भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। और इस कोशिश में कई बार मेरे मन में भ्रम हो जाता है कि मैं कहां भारतीय हूं कहां विदेशी हूं। अपने जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अपने पूरे चित्त के साथ, अपने पूरे मन की शुद्धि के साथ मैं स्वदेशी बनने की कोशिश में लगा हुआ हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं वहां पर विदेशी हो जाता हूं, स्वदेशी नहीं रह पाता। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमी के साथ जब इतना बड़ा संकट है तो बाकी लोगों के बारे में तो कल्पना करना हमको चाहिए। तो ज्यादा मेहनत के साथ हमको स्वदेशी बनने में कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश से कुछ भी संभव है, क्योंकि अभी भी हम पूरे विदेशी नहीं हुए हैं, अभी भी हम आंशिक रूप से विदेशी हुए हैं। मानस में कुछ परतें विदेशीपन की घुस गई हैं, वो हटाते चले जाएंगे तो काफी स्वदेशीपन हम में आता चला जाएगा। और फिर प्रश्न ये आएगा तो क्या हम आधुनिक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मैं एक बहुत गंभीर बात कहता हूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रहते हुए भी हम आधुनिक हो सकते हैं। आप पूछेंगे इसका एक उदाहरण दीजिए, तो आधुनिकता के उदाहरण की एक ही परिभाषा और आप समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में या भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों में यह जो जातियों का वर्गीकरण हुआ, जातियों का वर्गीकरण कभी हुआ होगा किसी समय विशेष में, शायद उस समय की जरूरत रही हो समाज के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए किया होगा, लेकिन इस तरह का वर्गीकरण इस समाज में कभी नहीं हुआ कि तुम ऊंचे हो या हम नीचे हैं, यह कभी नहीं हुआ। यह तो गुलामी के दौर में ज्यादा हुआ है। मैंने भारत के जो जातियों के बड़े लोग हैं उनके बीच में काफी कुछ रिसर्च करने का काम शुरू किया है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले, कुम्हार जाति होती है हमारे यहां जो कुल्लड़ बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, उनके लोगों के बीच में गया और यह कह के गया कि मुझे आपकी कहानी सुननी, आप अपनी कहानी सुनाइए कि आपका विकास कैसे हुआ, आपका जन्म कैसे हुआ। तो उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी होते होते वहां तक पहुंची। अब पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, एक ही लाइन में उसका जिस सुना देना चाहता हूं कि वो कुम्हार जाति का जो नेता था वो सुनाते सुनाते मुझको वहां तक ले गया जब उसने कह दिया कि हम सब जो शूद्र हैं, हम सबका जन्म ब्रह्मा जी के पैर में से हुआ है।
अभी वहां पहुंच गया वो। मैंने कहा भाई अगर तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के पैर में से हुआ है तो तुम नीचे कैसे हो गए? तो उसने कहा मैं तो कभी नहीं मानता कि मैं नीचा हूं। तो फिर प्रश्न आया कि दूसरे लोगों ने तुमको नीचा कैसे बना दिया? तो उसने कहा वो सवाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि वो अपनी मान्यता में अपने को नीचा नहीं मानता है, वो कहता मैं तो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ। ऐसे ही इन लोगों से मैंने एक बार कहानी सुनी, क्षत्रिय लोगों से, तो उन्होंने कह दिया हम ब्रह्मा जी के हाथों से पैदा हुए। फिर वैश्य लोगों के एक बार समाज में मैं गया तो वो एक बहुत पुराने सज्जन ने कहा कि हम ब्रह्मा जी के शरीर के बीच के हिस्से में से आए हैं, माने चेस्ट और चेस्ट के आसपास। और ब्राह्मणों के पास गया तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मा जी के सिर में से पैदा हुए। अभी मैंने सबसे एक ही बात पूछी कि सब ब्रह्मा जी में से ही पैदा क्यों हो? कोई ब्रह्मा जी के पैर में से, कोई ब्रह्मा जी के हाथ में से, कोई ब्रह्मा जी के शरीर के बीच के हिस्से में से, कोई सिर में से। तो बाद में मुझे इसका जवाब खुद मिल गया, और जवाब यह मिला कि शरीर का कोई भी हिस्सा तो नीचा नहीं है और कोई भी हिस्सा तो ऊंचा नहीं है। पैर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सिर है, हाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे शरीर का दूसरा हिस्सा है, और इनमें से किसी हिस्से को काट के अलग कर दिया जाए तो शरीर की कल्पना नहीं हो सकती है। तो माने इन जातियों ने अपने आप को कभी नीचा माना नहीं, कोई ब्रह्मा जी के पैर से, कोई ब्रह्मा जी के हाथ से, कोई ब्रह्मा जी के शरीर से, कोई ब्रह्मा जी के सिर से। तो फिर प्रश्न आता है कि ये फिर ऊंच नीच कहां से आई? मेरी मान्यता यह है कि इस ऊंच नीच को बढ़ावा देने में काफी बड़ी भूमिका पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, डच लोगों की, अंग्रेजों की रही है। जैसे अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं, दक्षिण भारत में एक जाति है उसका नाम है पेरियार। आज पेरियार शूद्र माने जाते हैं। 200 साल पहले तक पेरियार दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जाति थी। क्यों? इसलिए कि पेरियार लोग मंदिर बनाया करते थे। जो आर्किटेक्ट आपको दक्षिण भारत के मंदिरों का दिखाई देता है वो सब पेरियार लोगों का बनाया हुआ है। और क्या गजब का आर्किटेक्ट है उन लोगों का। मैंने तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिर तो ऐसे अद्भुत देखे कि एक मंदिर में आप खड़े हो जाइए, आप चिल्लाइए, बाजू वाला आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा, एक कदम हटके चिल्लाइए तो 3 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। इतना गहरा आर्किटेक्ट इस देश में रहा जिन लोगों के पास, उनका नाम है पेरियार, तो वो नीचे कैसे हो सकते हैं? फिर पेरियारों की कहानी इकट्ठा करना मैंने शुरू किया, तो कहानी इकट्ठा करते करते एक दिन पता चला कि ये जाति तो 1850 तक मंदिर बनाती थी, मंदिर बनाने के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करती थी, उसके बाद मंदिर सौंप दिया जाता था दूसरे लोगों को, बाहर से कभी मंदिर पर आक्रमण होगा तो फिर सुरक्षा के लिए आ जाते थे, तो ये नीचे कैसे हो गए फिर? तो इसका रहस्य मुझे मिला 1890 में, अंग्रेजों ने एक सर्वे किया इस देश में जातियों के आधार पर, पहला सर्वे है इस देश का जातियों के आधार पर 1890 का। उस सर्वे में अंग्रेजों ने जानबूझकर पेरियारों को सबसे नीचे रख दिया। अब उस सर्वे को जो करवाने वाला ऑफिसर है उसके कुछ पत्र मिले हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में, उनको कोरिलेट करने की कोशिश जब मैंने की तो उसने चिट्ठियां लिखी हैं, और वो चिट्ठी ये लिख रहा है कि दक्षिण भारत के समाज को अगर हमें खंड खंड तोड़ना है तो इस समाज का सबसे मजबूत हिस्सा है पेरियार, इसको तोड़ना पड़ेगा पहले। और ये कैसे टूटेगा? ये तब टूटेगा जब हम इनके महत्व को, इनकी प्रतिष्ठा को नीचे ले आएंगे। तो अभी तक ये मंदिर बनाने वाले लोग हैं, फिर हम इनको अछूत घोषित कराएंगे तो फिर ये मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर नहीं बनाएंगे तो इनका आर्किटेक्ट का ज्ञान खत्म हो जाएगा 3-4 पीढ़ियों के बाद, और जब वो ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रतिष्ठा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। ये है अंग्रेजों की चाल। और उसके बाद पेरियारों को नीचे ले आया गया, और उसके बाद उनको शूद्र घोषित कर दिया गया। बेचारे आज भी पेरियार उस इलाके में शूद्र माने जाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि अंग्रेजों ने उनके साथ कितने भयानक खेल खेला। ये हिस्सा हिंदुस्तान के तभी तमाम दूसरे लोगों का। तो अभी सभ्यता का नवीनीकरण कैसे करें हम? मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की इज्जत और प्रतिष्ठा को नीचे लाया गया है, इनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को अभी ऊंचा ले जाने की बात कहनी पड़ेगी। तो वो कुछ बात ऐसे कहनी पड़ेगी कि तुम तो सब ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुए हो, पैर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर पैर नहीं होगा तो शरीर चलने वाला नहीं है, माने तुम्हारे बिना यह समाज चलने वाला नहीं, और तुम्हारी भूमिका अगर इतनी महत्वपूर्ण है कि यह समाज चलने वाला नहीं है तो समाज के साथ आपको समरस होना ही पड़ेगा, या हमको उनके साथ समरस होना पड़ेगा। तो एक किस्सा है गणेश पुराण का।
गणेश पुराण में शंकर जी उपदेश दे रहे हैं, कुछ ऋषि उनके साथ बैठे हुए सुन रहे हैं। हिंदुस्तान की माइथोलॉजी अगर समझनी हो तो ये जरूर पढ़ना चाहिए, गणेश पुराण और ये कुछ कुछ मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो किस्सा क्या है, वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी बैठे हैं, शंकर जी उपदेश दे रहे हैं, तो किसी ऋषि ने पूछ लिया है, शायद कोई ऋषि है, उनका नाम मैं बोल रहा हूं, कि आप आने वाले समय में आधुनिकता को कैसे परिभाषित करेंगे। तो कोई ऋषि है, वो कह रहे हैं शंकर जी के बोलने से पहले कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में आधुनिकता को परिभाषित ऐसे करूंगा और मैं ये कहूंगा कि शूद्रों की जय हो। तो मुझे जवाब मिल गया गणेश पुराण में कि भारतीय सभ्यता का अगर नवीनीकरण हमको करना है तो ये बात हमारे सामने स्पष्ट है कि शूद्रों की जय हो। गांधी जी ने इसको एक दूसरे तरीके से व्याख्यायित किया है कि हम सबको शूद्र हो जाना चाहिए। शूद्र होना कोई गलत बात नहीं है, शूद्र माने हाईली स्किल्ड सोसाइटी। कुम्हार है, लोहार है, चर्मकार है, ये सब क्या है, इंजीनियर्स ही तो हैं। कुम्हार मिट्टी बनाने मिट्टी वाला इंजीनियर है, चर्मकार चमड़े वाला इंजीनियर है, लोहार लोहे वाला इंजीनियर है, तो ये सब इंजीनियरों की ही तो जमात है, तो हम सबको हो जाना चाहिए इंजीनियर, माने सबको हाईली स्किल्ड पर्सन हो जाना चाहिए, तो हम सब शूद्र हो जाएंगे, तो शूद्रों की जय तो होने ही लगेगी, तो सभ्यता का नवीनीकरण हो जाएगा। जो गिरी है हमारी सभ्यता, वो सभ्यता फिर ऊंची भी उठ जाएगी। कुछ इस तरह के काम करने होंगे। तो हम जब ये स्वदेशी की बात करते हैं, और मैं लोगों से कहता हूं कि आप बाटा का जूता मत पहनिए, तो लोग पूछते हैं क्या पहने, आपके गांव का मोची जो बनाता है उसको पहले पहनिए। माने उस मोची की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका बनाया हुआ जूता पहने, ताकि वो आपके साथ रागात्मकता महसूस करे। अभी हम उससे अलग हो रहे हैं, कैसे अलग हो रहे हैं, दुकान में जाते हैं बाटा की, एक एक दुकान में घूमते हैं, अपना पैर लेके जाते हैं, हमारा पैर का नंबर मान लीजिए 8 है, एक जगह जूता फिट नहीं हुआ दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, अपना पैर ले लेके घूम रहे हैं और जहां जूता फिट होगा पहन के चले आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को उलट दीजिए और उलट के ये कहिए कि मेरा जूता मेरे गांव का मोची बनाएगा। क्यों बनाएगा, इसलिए कि मेरे पैर में जो अंगूठा है वो उंगली के साथ ज्यादा चिपका हुआ है, तो वो जब मेरे पैर का नाप लेने आएगा तो उसको मेरे इस अंगूठे के उंगली के बीच में चिपके होने की बात समझ में आ जाएगी। तो जूते का जब वो डिजाइन बनाएगा तो वो ध्यान में रखकर बनाएगा कि मेरे अंगूठे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बाटा में समझ में नहीं आने वाला, वहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाटा पहनना बंद करिए, गांव का जो मोची बनाता है ऑर्डर देकर उससे बनवाइए। जब आप उससे ऑर्डर देकर जूता बनवाना शुरू करेंगे तो उसका आपके साथ कुछ रागात्मक संबंध पैदा होगा। उत्पादक अपनी चीज जब सीधे बेचता है उपभोक्ता को, तो जो समाज में जीवंत संबंध बनता है उससे ज्यादा मजबूत कोई दूसरा बॉन्ड नहीं होता किसी समाज में। मैं जब आपसे कहता हूं कि लक्स लाइफ बॉय लिरिल रेक्सोना मत खरीदिए, आपके गांव में अगर कुछ साबुन बन रहा है तो उसको खरीद लीजिए, और साबुन अगर नहीं बनता है तो किसान बेसन पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, उसको इस्तेमाल कर लीजिए साबुन के रूप में। तो वो इसलिए कहता हूं कि किसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ना बहुत जरूरी, जो अभी टूट चुका है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि कॉलगेट क्लोजअप सिवाका फॉरहंस मत खरीदिए, आप नीम का दातुन खरीद लीजिए और गांव के किसी आदमी को कहिए कि वो नीम का दातुन तोड़ के आपको देना शुरू करे, तो आपका उसके साथ रागात्मक संबंध बनना बहुत जरूरी है। दातुन तो आएगा ही, पैसा भी आप देंगे, लेकिन आप और उसके बीच में जो संवाद पैदा होगा वो संवाद एक मजबूत बॉन्ड बनेगा और समाज की शक्ति बनेगा। इसलिए स्वदेशी होना बहुत जरूरी है इस देश में, और ये उदाहरण देते चले जाइए और ये समझ में भी आता चला जाए। तो अभी आज के व्याख्यान में एक अलग तरीके से मैंने स्वदेशी की व्याख्या की है कि हमको स्वदेशी क्यों होना है। अब तक आपने सुना होगा कि अमरीका पैसा नहीं जाए, वो तो ठीक ही है, और आज का व्याख्यान सुन के आपको मैं कहना चाहता हूं कि अमरीका पैसा जाए ना जाए इमेटीरियल है, मेरे समाज का बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, गांव के मोची का जूता पहनकर मेरे समाज की शक्ति बढ़नी चाहिए, गांव के आदमी से दातुन खरीदकर मेरे समाज की शक्ति बढ़नी चाहिए, गांव के किसान का बेसन खरीदकर, दूध खरीदकर, ये खरीदकर, वो खरीदकर। इसलिए स्वदेशी की तलाश अपने पड़ोसी से शुरू करिए, जो आपके सबसे नजदीक बनता है वो सबसे पहले स्वदेशी, बड़े कारखानों में जो बनता है वो देशी। स्वदेशी, देशी और विदेशी, तीनों की परिभाषाएं स्पष्ट करिए। निर्मा स्वदेशी नहीं है, देशी है।
गांव में बनता है अगर साबुन तो वो स्वदेशी है। प्रॉमिस स्वदेशी नहीं है, देशी है। नीम का दातुन मिलता है या दंतमंजन बनता है मेरे गांव में, वो स्वदेशी है। तो पहले तलाश करिए स्वदेशी की, ना मिले तो देशी पे जाइए, और परदेशी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभ्यता का नवीनीकरण करना है हमको और भारतीय समाज को भारतीय बनाना है, यूरोपियन नहीं बनाना है। और तब इसमें देखिए कि ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जो आपको विदेशी बनाने में लगे हुए हैं। मैंने आपको कहा एक तो शिक्षा, कॉन्वेंटियन एजुकेशन, उसका पूरा का पूरा क्यूरिकुलम। दूसरा, आधुनिकता का एहसास कराने वाले वो तमाम उपकरण जिनको आपने मान लिया है कि ये सभ्यता की निशानी है, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, या फिर रेफ्रिजरेटर, या फिर वगैरह वगैरह। तब आप पूछेंगे राजीव भाई आप हमको आधुनिक नहीं बनने देना चाहते। मैं जरूर चाहता हूं कि आप आधुनिक बने, लेकिन आधुनिकता की परिभाषा बदलिए। यूरोपियन होना, अमेरिकन होना आधुनिक नहीं है। माने हम यूरोप जैसे हो जाएं, अमेरिका जैसे हो जाएं, ये आधुनिक होना नहीं है। हम भारत में रहते हुए आधुनिक कैसे बने, ये सोचने की कोशिश करिए। और एक दूसरी बात और कह दूं जिसको बार बार आप अपने दिमाग में घुमाइए, सुविधाएं इकट्ठी कर लेना आनंद प्राप्त नहीं करवाएगा। आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली, सुविधा खरीद ली। आपने टेलीविजन खरीद ला, सुविधा खरीद ली। आपने कार खरीद ली मारुति की, सुविधा ले ली। आपने कुछ और खरीद लिया, सुविधा ले ली। सुविधाओं से कभी आनंद नहीं मिलता है। और अगर आप मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य चरम आनंद का है, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो वही कहती है चरम आनंद जिसको नहीं मिला जीवन में उसका जीवन बेकार है। अब वो चरम आनंद की अनुभूति मीरा की तरह अगर करना चाहे तो भगवान कृष्ण की भक्ति में मिल सकती है, कबीर की तरह करना चाहे तो कोई दूसरे तरीके से मिल सकती है, रैदास की तरह करना चाहे किसी तीसरे तरीके से मिल सकती है। ये सब चरम आनंद की अनुभूति करने में ही पागल हुए लोग थे। तो चरम आनंद अगर आपको भी महसूस करना है तो जान लीजिए सुविधाओं से चरम आनंद नहीं मिलने वाला। चरम आनंद मन की खुशी से मिलता है, उत्साह से मिलता है। और आप करके देख लीजिए, किसी गरीब को भोजन खिलाने के बाद जो मन को संतोष मिलेगा वो टेलीविजन की फिल्म देखने के बाद नहीं मिलने वाला। घर में बैठकर भगवान का भजन और कीर्तन करने से जो आपको सुख मिलेगा वो चोली के पीछे क्या है गाने से नहीं मिलने वाला। सुख तलाशिए, आनंद तलाशिए, कहां मिलता है तो वो आपको पता चलेगा कि कृति में मिलता है, क्रियाओं में मिलता है। बहुत अच्छा भजन बनाइए, गाइए, देखिए क्या आनंद मिलता है। और आप अकेले मत गाइए, परिवार के साथ बैठकर गाइए, देखिए क्या आनंद मिलता है। मराठी की कोई अच्छी कहानी पढ़िए, अपने बच्चों को सुनाइए, देखिए क्या आनंद मिलता है। संभव हो तो वॉयलिन बजाना सीख लिए और बजाइए, देखिए क्या आनंद मिलता है। सितार बजाना सीख लीजिए, बजाइए, देखिए क्या आनंद मिलता है। डूब कर देखिए, बाहर किनारे खड़े रहने से आनंद नहीं मिलने वाला। साहित्य में डूबिए, संगीत में डूबिए, कला में डूबिए और आपको आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। भगवान में डूबिए और अच्छे तरीके से होने लगेगी। आनंद की तलाश वहां करिए और आधुनिकता की तलाश वहां करिए, यूरोपियन और अमेरिकन होने में नहीं। इसलिए हमारा स्वदेशीकरण बहुत जरूरी है, यही आपसे कहना था। बहुत आभार। तो